चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि किस तरीके का एग्जाम होता है, किस तरीके के उस पेपर क्वेश्चन पेपर आता है, कितने ऑप्शंस होते हैं, कितने नहीं होते, वो मैं एक बार आप लोगों को रिकैप करा देता हूँ। उसका कहने का मीनिंग भी मेरा कुछ और है, तो आप लोग को थोड़ा समझ लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और अगर मेरी आवाज आप लोगों को किसी को भी क्लियर नहीं आती है तो आप लोग मुझसे चैट बॉक्स में लिख देना कि दिक्कत हो रही है सर, तो मैं आपको पूछ लूंगा कि अगर सभी लोगों को दिक्कत हो रही है तो मेरी तरफ प्रॉब्लम है, अगर आपको अकेले की दिक्कत हो रही है इसका मतलब आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नेट CSIR नेट जिसके बारे में हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, एटलीस्ट हमें उसके बारे में सब सारी नॉलेज होनी चाहिए कि किस स्ट्रेटेजी को हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहां पर कि एग्जाम पैटर्न तीन सेक्शन में आता है, ABC। ए सेक्शन 20 क्वेश्चंस होते हैं, जनरल अवेयरनेस भी होती है उसमें, रिसर्च एप्टीट्यूड भी होता है और जनरल एप्टीट्यूड भी होता है, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और अगर 15 क्वेश्चन को 2 मार्क्स के अगर क्वेश्चन देखें, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जिसमें से 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो 15 into 2, 30 मार्क्स का सेक्शन ए होता है। 25 क्वेश्चंस जो पार्ट ए में रहते हैं, पार्ट बी में रहते हैं, वो जो हमारा सिलेबस दो जगह डिवाइड है, देखिए आप सिलेबस क्लासिकल मैकेनिक्स 1, यहाँ पे मैंने ये 1 ही है, क्लासिकल मैकेनिक्स 1 जो सिलेबस मेंशन है CSIR की वेबसाइट पर, वो ये मैंने डायरेक्ट इसको लिखा हुआ है, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को पता रहे कि आप किस सिलेबस के बारे में आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पार्ट बी में जो क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और 20 क्वेश्चन अगर देखें तो 3.5 का पॉजिटिव प्लस 3.5 मिलने से 70 मार्क्स का होता है, ये 30 का हो गया। और पार्ट सी जो कि एडवांस लेवल का रहता है, जिसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने को बोले जाते हैं, और एक क्वेश्चन आपको प्लस 5 अंक देता है, और नेगेटिव अगर आपने गलत किया है तो -1.25 नेगेटिव भी हो जाता है। तो 100 नंबर का ये पार्ट सी रहता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पार्ट भी है आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। तो अगर ये टोटल ओवरऑल देखें तो ये टोटल होता है 200 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन ये 200 मार्क्स इसके करस्पॉन्डिंग है जो आपको अटेम्प्ट करने के लिए बोले गए, लेकिन आपके सामने जो क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे, 20 + 25 + 30, मतलब 75 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, जिसमें से आपको 55 क्वेश्चंस करने होंगे। तो अगर हम ये सारे क्वेश्चंस का इसके हिसाब से अगर जोड़े मार्क्स, तो ये टोटल मार्क्स जो आते हैं वो लगभग 278.5 मार्क्स का पेपर आता है, जिसमें से आपको 200 मार्क्स का अटेम्प्ट करने को बोला जाता है। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपका नेट में सिलेक्शन कितने मार्क्स से होता है, तो वो हम आपकी बात आगे बात करेंगे, लेकिन 75 क्वेश्चंस का जो टोटल मार्क्स है वो है 278.5, जो कि 280 के करीब होते हैं, और 278 में 78 की ऑलरेडी चॉइस है, 200 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, इसमें से भी अगर आप देखें तो लगभग 80-200 अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 80, 85, 84, 90, 95, 100, एक बार ऐसा हुआ है कि 100 से ऊपर चली गई है, अदरवाइज 80-90 के बीच में आपका ओवरऑल रहता है नेट में सिलेक्शन के लिए। तो नेट और इसकी अगर आप कट ऑफ देखना चाहते हैं तो CSIR की वेबसाइट पे बहुत सारे लिखे हुए हैं, आप लोग सारी ईयर्स की कट ऑफ को भी स्टडी कर सकते हो। मैं तो आप लोगों को एक रफ आइडिया बता रहा हूं कि लगभग 85-90 मार्क्स अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज इतनी कट ऑफ रहती है, ये मैंने JRF की कट ऑफ बताई है, और नेट क्वालिफाई करने के लिए इससे भी कम रहती है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 278 मार्क्स में से आपको 80-90 मार्क्स लाने हैं, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होते, वो आपको ज्यादा नहीं होते, क्योंकि 278 मार्क्स का पेपर होता है आपके सामने, और आपको 90-100 ही मान ले अगर, तो 100 के लगभग 33% भी नहीं आया, ये 33-34%, मतलब इतने नंबर आप अगर लेके आते हैं तो आप लोगों को फेलोशिप मिलती है, आप लोगों को PhD में एडमिशन मिलने का एक चांस होता है, तो काफी
चार्मफुल एग्जाम है। अगर आपको मैं ये, क्योंकि वजह है, अगर हमें लालच नहीं होगा और हमें अगर उसके पीछे हमें रीजंस नहीं पता होंगे कि हम क्यों करना चाह रहे हैं तैयारी, तो ये गलत होगा। तो हमें पहले ये भी पता चले कि भाई इसको करने के बाद हमें क्या मिलेगा, क्योंकि विदाउट एम नो वन कैन स्टडी, बिना एम के कुछ भी नहीं हो सकता। तो एम हमारा क्या है कि जेआरएफ कम से कम क्वालिफाई करना, और इतना करने के बाद अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो 31,000 जेआरएफ है और 35,000 एसआरएफ है आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल जेआरएफ मिलती है और 3 साल एसआरएफ मिलती है। टोटल 5 साल का ये पैकेज होता है आप लोगों के लिए, जो कि काफी अच्छा रहता है, जिससे आपको क्या मिलता है, केवल आपको रिकॉग्निशन मिलता है। आप किसी इंस्टीट्यूट से अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको आपका नाम, आपकी पहचान बनती है उससे। तो ऐसी कोई जॉब नहीं है जिस जॉब में आप इस तरीके का काम करें भाई। यहाँ जॉब भी है, पैसा भी है और आपका नाम भी है, तो सब कुछ आपके फेवर में है, तो आपको तैयारी करनी ही चाहिए। रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोगों ने, बच्चों ने लिखा है कि रैंक से क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं, अगर आप बिल्कुल बॉटम में भी हैं तो भी आपको उतनी फेलोशिप मिलेगी जितनी एक नंबर को मिलेगी। ये बात अलग है कि जो टॉप 5% और टॉप 10% होते हैं उनको एसपीएम के लिए कॉल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप के लिए कॉल भी होती है, जिसके लिए इंटरव्यू होते हैं, और आपको थोड़ी फेलोशिप ज्यादा मिलती है। हालांकि वो अच्छा, वो भी अच्छा रहता है, लेकिन ओवरऑल जो जेआरएफ है वो सबके लिए एक जैसा होता है, एसआरएफ सबके लिए एक जैसा होता है। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि आप लोगों को इसमें तैयारी करने में केवल, अगर मैं टोटल बोलूं, 35-40% मार्क्स लाने पर आपका बहुत कुछ मिलता है इसमें। पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी, पैसा एक 5 साल का अगर ऑन एन एवरेज आप जोड़ें तो लगभग 20-22 लाख रुपए तक मिल जाएगा, है ना। तो ऐसा करना बहुत आसान है अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हो तो अपना फ्यूचर बनाने के लिए आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये सिमरन बेटा आप अपनी वॉइस बंद कर लें। तो अच्छी बात यह है कि आपको आराम से कोई भी, और दूसरा सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस जो नेट का सिलेबस है वही लगभग गेट का सिलेबस है, वही लगभग बार्क का सिलेबस है, वही लगभग टिफर का सिलेबस है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बदल जाता है, अदरवाइज सिलेबस तैयारी सब एक जैसी होती है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम कर लें इस तरीके का, इस लेवल का। ठीक है, तो फिलहाल हम इस पे ज्यादा देर तक जोर ना देते हुए आगे बढ़ते हैं, और हम ये बताते हैं कि भाई हमें क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ने के बाद आपको सीएसआईआर नेट में उसका क्या रोल है, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं, बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि लगभग क्लासिकल मैकेनिक्स मेजर रोल प्ले करती है, और लगभग मैं कहता हूं 35-45 मार्क्स। ये वेरिएबल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि यहां का क्वेश्चन भाई स्मॉल ऑसिलेशन का क्वेश्चन ईएमटी को मिला के दे दिया जाता है, या फिर जो हमारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का क्वेश्चन है वो ईएमटी में भी चला जाता है, या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पार्टिकल फिजिक्स में चला जाता है। तो ओवरऑल मैं आपको कह सकता हूं कि जब आप ये सिलेबस जो क्लासिकल मैकेनिक्स का हम लोग पढ़ेंगे वो करने के बाद लगभग आप 45-35 मार्क्स, मतलब 40 ऑन एन एवरेज अगर बोल लें तो 40 मार्क्स आप लोग इससे पा सकते हैं, और 40 मार्क्स कम नहीं होते। जब आप कट ऑफ की बात करते हैं तो 85 मार्क्स, 95 मार्क्स की मैं बोल रहा हूं, और जिसमें 40 मार्क्स का वेटेज क्लासिकल मैकेनिक्स का, ये तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप इसमें सेक्शन ए का भी जोड़ लें तो 30 जोड़ लेंगे, तो आपको कैटेगरी वाइज में अगर है तो आपको तो नेट आराम से मिल जाएगा। तो ओवरऑल बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत टिपिकल एग्जाम नहीं है। हो सकता है आप लोगों की, मेरी बात को ध्यान से सुनना, हो सकता है आप इस वजह से क्वालिफाई कर जाए कि बहुत सारे लोग अच्छे से तैयारी नहीं करते। कभी कभार हम अपनी काबिलियत से एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और कभी कभार दूसरों की बेवकूफी से। तो हमारे पास दोनों चॉइसेस है। बहुत सारे लोग तैयारी नहीं करते। अगर मान लीजिए 20,000 लोग भी फॉर्म भरते हैं, 20,000 लोग, 20,000 स्टूडेंट भी फॉर्म भरते हैं, तो इसमें सिंसियर स्टूडेंट 2,000 ही होते हैं, बाकी सब सिर्फ एग्जाम को देने जाते हैं, देखने जाते हैं कैसा होता है कैसा नहीं होता, यही समझते रहते हैं। तो 6 महीना साल भर तो इसी में निकल जाता है कि भाई समझ ही नहीं आ रहा है कि ये तैयारी करें तो कौन सी जगह से करें और क्या करें। तो ओवरऑल आप जो तैयारी कर रहे हैं वो 40 मार्क्स के लिए कर रहे हैं, और इसमें भी अगर देखा जाए तो लगभग 7 क्वेश्चंस आपके, 7-8 क्वेश्चंस आपके लगभग इससे पूछे जाते हैं, जो कि आपको मिलेंगे। ठीक है,
अब आप सोच रहे होंगे, कई लोग सोच रहे होंगे, भाई ऐसे तो 10 बुक का सिलेबस है, बाकी सब अगर जोड़ेंगे तो ये 400 नंबर होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर 278 क्वेश्चन, 278 मार्क्स का मैंने बताया ना, इसमें अगर डिवाइड करोगे तो लगभग यही आएगा रेशियो, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, आप लोग कितनी भी स्टडी कर सकते हैं। आपके पास सबसे अच्छी चीज क्या है, गूगल बाबा है, आप सर्च करें, उसमें देखें, चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। हम देर नहीं करते, हम सीधे सिलेबस पे आते हैं। अच्छा, एक चीज और भी आपको बता दूं, पढ़ने के दो तरीके हैं, या तो आप देखते रहें, मुझे सुनते रहें और बस भूल जाएं। एक तरीका ये है, आप कॉपी लें, पेन लें और जो चीजें मैं बता रहा हूं वो चीजें नोट करते रहें। हालांकि ये सारा नोट्स जो मैं लिख रहा हूं यहां पर, एक भी चीज वो सब आपको वीडियो लेक्चर की फॉर्म में भी मिलेगी, और वही चीज आपको ये नोट्स की फॉर्म में, पीडीएफ की फॉर्म में भी वेबसाइट पर मिलेगी कैरियर एंडेवर के। तो ओवरऑल आपके पास सारा मटेरियल मौजूद रहेगा, बस आपकी सिंसियरनेस की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोगों को कोई देखने वाला नहीं, कोई मॉनिटर करने वाला नहीं, फिर भी आप ये मान के चले आपके सामने मैं हूं, मतलब कोई भी टीचर हो सकता है, कोई भी टीचर है, आप उसके हिसाब से ऐसे सोच के पढ़ें कि भाई ऑफलाइन ही चल रहा है मामला सब कुछ, ठीक है। तो इट इज नॉट बैड थिंग। अगर आप देखें तो आप इस कोरोना में एक बहुत, अगर आप देखें तो कोरोना में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं, आप फायदे की उसमें, बस आप अपने नेटवर्क को स्ट्रांग रखें, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिलेबस पे अगर फोकस करें तो सिलेबस का सबसे पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सबसे पहले पॉइंट पर आए तो अभी भी आप देखें, अगर ओके तो अगर आप देखें तो सिलेबस के पहले हिस्से में ही न्यूटन्स लॉ का जिक्र है, ठीक है, न्यूटन्स लॉ का जिक्र है। और न्यूटन्स लॉ आप लोगों को, मुझे लगता है कि आप लोगों ने 9th क्लास में लगभग पढ़े होंगे। 9th क्लास से आप देखें, नाइन्थ क्लास से 10th क्लास देखें, 11th देखें, 12th देखें, बीएससी 3 साल की है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमएससी 2 साल की है, एमएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, और इतने सालों को अगर मिलाएं तो ये लगभग 9 साल होते हैं, और 9 साल बाद आपसे फिर कहा जा रहा है न्यूटन्स लॉ पढ़िए। तो इट मींस देयर इज समथिंग स्पेशल इन न्यूटन्स लॉ, जो ये मानते हैं लोग कि ये चीज तो आपको पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो इसलिए ये कहने का मीनिंग मेरा ये है कि जो चीज 9th में पढ़ी हुई है वो आप टोटल अभी भी पढ़ने को मजबूर कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको, यानी कि वो ये मानते हैं कि न्यूटन्स लॉ से अगर क्वेश्चन देंगे तो स्टूडेंट्स अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको न्यूटन्स लॉ, बाकी अगर आप देखें तो सारा सिलेबस आपके सामने है, ठीक है। हमने चैप्टर वाइज इन सिलेबस को डिवाइड कर लिया है, हम जो पढ़ाएंगे आपको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। लगभग न्यूटन्स लॉ, मतलब न्यूटन्स लॉ में हम ये भी पढ़ाएंगे, टू बॉडी कोलिजन, स्कैटरिंग, लेबोरेटरी फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, इन सब में हम लगभग 20 आवर्स, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उसमें हम 20 आवर्स लगभग स्पेंड करेंगे, और लगभग 80 आवर्स क्लासिकल मैकेनिक्स को पढ़ाएंगे। तो ओवरऑल हमारा जो सब्जेक्ट है वो 100 आवर्स में खत्म हो जाएगा। एक आध लेक्चर इधर उधर हो सकता है, लेकिन बाकी लगभग ऑन एन एवरेज 100 आवर्स में ये क्लासेस खत्म हो जाएंगी, मतलब हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। अब सिलेबस में क्या क्या है वो जब हम सिलेबस करेंगे तो ऑब्वियसली धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, बाकी आपकी स्क्रीन पर है। बड़े कठिन कठिन वर्ड्स भी लिखे हुए हैं, वो सब आपको टेंशन नहीं देंगे, इसका वादा है हमारा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे बच्चे रेफरेंस बुक पूछते हैं, बताना मतलब उनको जरूरी होता है कि भाई रेफरेंस बुक क्या रखें हम अपने पास। तो मैंने सारी बुक्स तो नहीं लिखी हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि आपके पास होनी चाहिए वो बुक मैंने लिख दी है सामने, जिसमें मुख्यतः अगर आप देखें तो ओवरऑल आप तो वैसे बुक्स का कोई आप गूगल पे सर्च करेंगे तो हजारों बुक आपको क्लासिकल मैकेनिक्स की मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, बुक्स बहुत सारी मिल सकती हैं। आप 10,000 रुपए खर्च करोगे तो इतनी बुक मिल जाएंगी कि आप अपने पूरे जीवन काल में क्लासिकल मैकेनिक्स की बुक्स खत्म नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी कुछ बुक्स होनी चाहिए। तो उनमें कुछ स्पेशल बुक्स हैं भाई जो समझ में भी आए और आपको फायदा भी करें। तो ये दो बुक आप रख लें, जेसी उपाध्याय की क्लासिकल मैकेनिक्स रख लें, या फिर आपके पास गुप्ता कुमार की हो, किसी भी इंडियन राइटर की एक बुक हो, गुप्ता कुमार हो गया, या फिर आपकी राणा एंड जोग की बुक आती है वो हो, इस तरीके की कोई एक बुक रख लें। और कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 जो 12th स्टैंडर्ड की है,
ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की है उस बुक को रख ले, आपका काम बन जाएगा मैकेनिक्स पढ़ने के लिए। बाकी बाकी मैरियन थॉर्टन की बुक है, क्लैपनर की बुक है, ये सब आप रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन आप मैनेज नहीं कर पाओगे इन बुक के साथ, क्योंकि आपके पास लगभग 6 मंथ्स है, 6 महीने की पढ़ाई में आपको सब कुछ पढ़ना है, केवल क्लासिकल नहीं। तो मेरे को लगता है कि आप खरीद तो सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते 6 महीने में, तो क्यों ना हम वो चीज ना करें जो हम नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ बुक्स को फॉलो कर सकते हैं, नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, जो नोट्स मैं लिखवाता हूं वो आप फॉलो करें, ठीक है। कोचिंग से जो मटेरियल मिल रहा है, जो CSIR नेट के और टिफर के, जेस्ट के, बार के, जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो प्रीवियस इयर्स में आए हुए हैं वो ले लें आप, और जो कोचिंग से असाइनमेंट्स मिले हुए हैं वो ले लें, सारा मटेरियल मतलब आपको हम लोग ही दे देंगे। तो ये सब चीजों पे आप फोकस करते रहेंगे, इसी में आपके 6 महीने निकल जाएंगे। तो क्यों ना हम उसी पर फोकस करें जो 6 महीने में मैनेज हो जाए, ठीक है। तो अच्छा रहेगा कि आप लोग जो हम बता रहे हैं वो फॉलो करें, क्योंकि हम ये बहुत कुछ देख चुके हैं, उसके बाद आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये तो हो गया ओवरऑल एक तरीके से प्रीफेस, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि हम लोग रिपीटर्स हैं, अगर रिपीट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। तो आपको बता दूं, स्ट्रेटेजी सिर्फ एक ही है, आपकी सारी स्ट्रेटेजी का एक ही रिजल्ट है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपकी स्ट्रेटेजी से रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है तो आप चाहे कैसी भी स्टडी मतलब आपने की हो वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं। ऑब्वियस है, आपका रिजल्ट पॉजिटिव तो सब कुछ पॉजिटिव, आपका रिजल्ट निगेटिव तो सब निगेटिव। स्ट्रेटेजी वो है जो आपको मैं बता रहा हूं, वही स्ट्रेटेजी को हमें फॉलो करना है। तो मेरी पहली क्लास में आपको मैं इसी तरीके की स्टडी को फॉलो करूंगा, ठीक है। आपको मैं पूरी बात बताऊंगा, चिंता ना करें आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें एक्चुअल में क्या करना है पूरे सिलेबस के दौरान। ये जनरल लेक्चर है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स का समझ लें आप या ओवरऑल फिजिक्स का लेक्चर समझ लें, डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां पर केवल बात कर रहा हूं कि हम लोगों को किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। आज का लेक्चर इसी पर रहेगा, ठीक है। तो हमेशा पिक्चर इज ऑलवेज मूव अराउंड प्रॉब्लम्स, मतलब सारी कहानी कहां अटक जाएगी, आपके प्रॉब्लम पे, कि भाई ऐसा हुआ, ये करा वो करा, ये थ्योरी पढ़ी वो थ्योरी पढ़ी, और बाद में कहा भाई ये सवाल करके दिखाओ। और हम लोग जीवन में भी क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स ही तो सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर हमें प्रॉब्लम को टैकल करना आ गया तो इसका मतलब हम सफल जीवन जी रहे हैं। सिमिलरली कोई भी एग्जाम होता है तो वो प्रॉब्लम्स पे इसीलिए बेस्ड होता है क्योंकि प्रॉब्लम ही क्या है, ट्रू टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम वो बताएगी कि आपको क्या सही मतलब आप क्या सही से जानते हैं या नहीं जानते, इसका टेस्ट करेगी प्रॉब्लम। तो अगर आप कोई प्रॉब्लम दी आपको, आपने कुछ पढ़ा, मान लीजिए कोई कंसेप्ट पढ़ा, उसके बाद आपको एक प्रॉब्लम दी आपसे नहीं लगी, इसका मतलब आपने पढ़ा जरूर समझ नहीं पाए पूरा। अगर आपसे वो प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब आपके समझ में आ गया है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ट्रू टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कुछ स्ट्रेटेजीज हमें फॉलो करनी चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम को, आपके एग्जाम में 4 ऑब्जेक्टिव वाली प्रॉब्लम आती है ना। 4 ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा और आपसे कहा जाएगा इनमें से कोई एक चूज करो, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में होता है, एक चूज करो, 1,000 रुपए ले जाओ, 2,000 रुपए ले जाओ, 1 करोड़ ले जाओ, 7 करोड़ ले जाओ। मतलब प्रॉब्लम में से 4 में से दिखा के आपसे एक पूछा जाता है, आपसे ये नहीं पूछा जाता ये सवाल है इसको निकालो या इसका आंसर सीधे लिख दो। 4 पूछने की वजह ये है कि भाई एक तो आसानी से वो चेक हो जाता है, दूसरा ये है कि आपको कंफ्यूज करना थोड़ा आसान हो जाता है। किसी भी स्टूडेंट को 4 ऑब्जेक्टिव दिखा के बड़ा जल्दी कंफ्यूज किया जा सकता है। तो वो मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्या करने जा रहा हूं मैं, तो किन किन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना चाहिए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त। तो देयर आर 2 स्ट्रेटेजीज, या तो आप सही आंसर चूज कर लो 4 में से कोई एक सही, या एक
एक को इलिमिनेट कर लो, मतलब एक सही कर लो या फिर तीन गलत चूज कर लो। तीन गलत पता चल जाएंगे तो भी पता चल जाएगा सही कौन सा है, और सही पता चल जाएगा तो भी पता चल जाएगा सही कौन सा है। ओवरऑल हमें जानना क्या है, सही कौन सा है, ठीक है ना? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो हमें क्या करना है, हमें सही चूज करना है। सही चूज करने के लिए हमें कुछ स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी पड़ेंगी जो मेरे को लगता है आपको जरूरी है समझनी। बहुत छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपके लिए, आज मैं शक्तिमान की तरह हूं ऐसे समझ ले, ठीक है? तो ड्रॉ ए डायग्राम इफ एप्रोप्रिएट, अगर जरूरी है तो आप एक डायग्राम जरूर छोटा सा बना ले, चाहे वो आप एग्जाम में कर रहे हो, चाहे आज आप अपनी कॉपी पे कर रहे हो, कोई भी सवाल आएगा अगर जरूरत है तो आप उसको ड्रॉ जरूर कर ले। फिर उसके बाद आप ये पता कर ले कि आपको क्या मालूम है इससे, क्या आपको पता है इस सवाल में, और आपको क्या निकालने के लिए बोला गया है। अक्सर बच्चे ये नहीं समझ पाते क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। कोई भी प्रॉब्लम पढ़े और बड़ा सा स्टेटमेंट अगर होता है तो बहुत सारे बच्चे तो आधा स्टेटमेंट पढ़ के ही आंसर लगा देते हैं, सोचते हैं चार ही गोले में से एक तो भरना है, भर देते हैं, क्या हो जाएगा, मम्मी पापा थोड़ी पूछने जा रहे हैं कि ए क्यों भरा था बेटा, है ना? हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा, अगली बार देखेंगे। तो बहुत सारे बच्चे ये चीजें नहीं ध्यान देते, तो आप लोगों को ध्यान देना है। सॉल्व थिंग्स सिंबोलिकली, सिंबोलिकली लिखना आसान रहता है। अगर आप किसी, जैसे मैं आपसे कहूं न्यूटन्स लॉ लिखा हुआ है, क्या ये आपने न्यूटन का नियम ये पढ़ा है कभी, एफ इज इक्वल टू ए? यस सर। क्या कोई बच्चा बताएगा? नो सर। ये ऐसा क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ा होगा क्योंकि आप लोग ये जो जानते हैं वो एफ इज इक्वल टू एम ए पढ़ा होगा, है ना? लेकिन मैं यहीं पर लिख दूं अगर फॉर यूनिट मास, तब आप कहोगे सही है। अब आप समझे, अगर एफ इज इक्वल टू एम ए लिखा हुआ होता तो वो आपको ज्यादा अच्छा लगता और ज्यादा देर तक याद रहता, और ये कंडीशनली जो फार्मूलाज होते हैं ये आपको बहुत देर तक याद नहीं रख सकते आप। तो अगर ये सिंबोलिकली आप याद रखेंगे तो चीजें ज्यादा देर तक याद रहेंगी और आपको टेंशन भी नहीं देंगी। अगर बाय द वे कोई गलती हो भी गई तो सिंबल में कोई गलती होगी तो आप उसको सुधार भी सकते हो। अगर आप मान लीजिए आपने उसकी वैल्यू लगा दी है पहले ही, मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा दिया है पहले ही और आंसर आपका गलत आ रहा है, तो आप 1 मीटर स्क्वायर ढूंढ ही नहीं पाओगे कहां से क्या हुआ, सारी स्टेप्स रॉन्ग हो जाएंगी। तो इसलिए ये सजेशन है कि आप प्रॉब्लम्स को सिंबोलिकली सॉल्व करें, ठीक है? चेक यूनिट्स एंड डायमेंशंस। जब आप रिजल्ट पा लें तो आप देखें कि यूनिट्स और डायमेंशनली ये सही है कि नहीं सही। मान लीजिए आपसे पूछा गया है कि भाई डेंसिटी निकालो और आंसर में कोई ऐसा दिया हुआ है जिसमें वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो आप कैसे सही कर सकते हैं उसको? तो आप इलिमिनेट करना जान गए ना कि भाई डायमेंशनली भी इलिमिनेट किया जा सकता है, तो आप चेक कर सकते हैं यूनिट्स और डायमेंशंस को। दूसरा, आप चेक कर सकते हो लिमिटिंग और स्पेशल केसेस को। लिमिटिंग और स्पेशल केसेस आपको कन्विंस करने के लिए बड़ा आसान रहते हैं। जैसे आपसे मैं कहूं कोई भी फार्मूला कि भाई आपने, किसी ने स्ट्रिंग के अंदर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, ये वाला फार्मूला पढ़ा है? किसी ने स्ट्रिंग जब दोनों तरफ से बांध दें और उसमें ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, इस तरीके की आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या ये फार्मूला पढ़ा है? यस सर। याद आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। देखा देखा सा लग रहा है? यस सर। बेटा कुछ गलती है इसमें? यस। यस सर। यस सर। क्या गलती है? टाइम पे। सर अपॉन में टी नहीं आएगा, अपॉन में एम, म्यू अपॉन एम, टी अपॉन म्यू, टी ओवर म्यू होगा सर। अच्छा, क्यों टी ओवर म्यू होगा? किसी एक बच्चे को बोलने का मौका दे रहा हूं भाई, आप लोग में से कोई एक बोले टी अपॉन म्यू कौन कह रहा है कि टी अपॉन म्यू होगा? गरिमा, टी अपॉन म्यू क्यों अच्छा लग रहा है, म्यू अपॉन टी क्यों नहीं अच्छा लग रहा? सर डायमेंशन। डायमेंशन के अलावा? डायमेंशन सर, टी अपॉन एम रूट के अंदर सर वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, अगर रूट के अंदर
चलिए बेटा आप अपने आप को म्यूट कर लें सब लोग, मैं बताता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं और पूछना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर हर वेरिएबल की अपनी एक पोजीशन होती है और उसकी एक ब्यूटी होती है, अगर आप उसको जाने तो। अगर किसी तार में, किसी वायर में अगर आप टेंशन बढ़ाएंगे, अगर आप किसी वायर में टेंशन बढ़ाएंगे तो आपने देखा होगा किसी वायर को अगर कस दो तो उसमें से आवाज जो होती है मधुर होती जाती है, फ्रिक्वेंसी बढ़ने लगती है। ऐसा महसूस किया है आप लोगों ने, गिटार को कभी चलाया हो कभी बजाया हो, अगर आप उसे टाइट कर दोगे तो उसमें से आवाज ज्यादा फ्रिक्वेंसी की आती है, और अगर उसे आप ढीला छोड़ दोगे तो कम फ्रिक्वेंसी की आवाज आती है। इसका मतलब एंड शुड बी प्रोपोर्शनल टू सम फंक्शन ऑफ टी, मतलब जो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए टी, तभी निकल के आएगा। अब ऑब्वियस है टी की पावर क्या होनी चाहिए, टी की पावर एक होनी चाहिए या दो होनी चाहिए, ये आप कैसे कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटली कर सकते हो। आप टेंशन को बढ़ाते जाएं और फ्रीक्वेंसी नोट करते जाएं और एक्सप्लेनेशन को देखते जाएं और ग्राफ प्लॉट कर लें, तो आपने देखा कि ये पैराबोलिक आ रहा है, तो आपने कहा लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, इसका रिलेशनशिप कुछ इस तरीके का। तो मेरा मतलब है आप एक्सपेरिमेंट के जरिए भी इन फार्मूलाज को ड्राइव कर सकते हो, जो आप लोगों के लिए लगभग आप लोगों ने 12th क्लास में 11th क्लास में पढ़ा भी होगा, करा भी होगा। कोई भी चीज आप जब करते हो तो उसके पीछे एक रीजन होता है, क्या कि आपको वो करने के लिए मोटिवेशन कहां से मिलता है, वो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से। अगर आप देखें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन केवल आप लोगों ने जो जानते हो वो जानना ही काफी नहीं है, उसको समझना भी काफी है, उसको आपको आपको अंदर बैठाना भी काफी है। आप लोगों को याद होगा तो आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये मैं अक्सर सबको बताता हूं तो आप लोग भी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कब से जानते हैं आप लोग, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 11th 12th 9th 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 12th 10th से। बेटा बस नाइन्थ कुछ बोल रहे हैं, बाकी शांत रहे, नाइन्थ कुछ बोल रहे हैं, कुछ नाइन्थ स्टैंडर्ड से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन समझते हैं और कुछ लोग 12th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड से। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, जब बच्चा 5 साल का होता है तब भी उसे अंदाजा होता है। 5 ईयर चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड न्यूटन्स लॉ, क्योंकि न्यूटन के नियम कोई न्यूटन ने नहीं दिए, न्यूटन ने केवल उसको ऑब्जर्व करके लिख दिया है, वो ऑलरेडी नेचुरल थे, नेचुरल लॉस थे, वो हमें अभी भी समझ में आते, पहले भी समझ में आते थे। जैसे आप लोगों को मैं बताऊं तो पहला नियम क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, इफ फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो देन इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट देन इट विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल एंड अनलेस ए फोर्स इज अप्लाइड। तो अगर आप किसी बच्चे के साथ खेल रहे हैं और मान लीजिए आपने उसका खिलौना जो है वो वहीं रख दिया और उसकी मदर ने उसको बुला लिया, तो आपको पता है बच्चा खाना खाने के बाद या दूध पीने के बाद वो कहाँ आएगा, उसी जगह पर जहां पे वो खिलौना रखा हुआ है, और अगर उसे नहीं मिला वहां पर तो वो रोएगा, वो कहेगा ये कहाँ गया, वो ढूंढेगा। इसका मतलब उसे अंदाजा है कि ये जब तक फोर्स नहीं लगाओगे तब तक हिलना नहीं चाहिए था इसको यहां से, मतलब मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। तो आपको नॉलेज जो है वो पहले से है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन न्यूटन के नहीं है, फिर मैं बता दूं वो नेचुरल लॉज है, वो उन्होंने ऑब्जर्व किए। ग्रेविटेशनल लॉ न्यूटन का नहीं है, ग्रेविटी कहां से आएगी वो तो नेचर को पता होगी, न्यूटन ने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि कुछ लिमिटिंग और अब इधर आ जाते हैं, चेक लिमिटिंग और ऑब्लिक स्पेशल केसेस, इससे क्या होगा आप लोगों को कन्विंस करना आसान होगा अपने आप को, वो मैं दिखाऊंगा इनपे एक एक लेक्चर, एक एक चीजें मैं समझाऊंगा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो उसके बाद फाइनली चेक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, फाइनली इफ यू गॉट द आंसर देन यू कैन चेक वेदर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज फीजेबल और नॉट, मींस अगर आपके पास कोई आंसर आया है तो आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से उसको लगभग चेक कर सकते हैं कि कितना आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे समझाता हूं मैं आपको, इधर देखेंगे। सबसे पहले यूनिट्स एंड डायमेंशन को बारे में समझते हैं। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन एनालिसिस, ये आप लोगों का नेट में भी पूछा जाता है, ये एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का पार्ट भी है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, और ये क्वेश्चन नेट में हर साल ये पूछा जाता है यूनिट्स एंड डायमेंशन का, तो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी रखनी चाहिए। बट देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑल्सो, है ना।
So, first of all, what is the motivation to study this? It would not tell you that your answer is definitely correct. ये आपको ये नहीं बताता कि आपका आंसर बिल्कुल सही है, but it might tell you that your answer is definitely incorrect. ये आपको ये बता सकता है कि आपका आंसर पक्का गलत है. ठीक है, तो हम देखते हैं इसको कैसे. Let us discuss some examples, some problems. So first problem is, if the task of a given problem is to find a certain time, if the task of a given problem is to find certain time, which one of the following could be the answer? इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है? तो just check the dimensions and find out the answer. They have usual meaning. Symbols have usual meaning. A is acceleration, T is time, B is velocity, M is mass, L is length. Sir, so D. Which can D. 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 Under root velocity is LT minus 1 and D, sir. बेटा ठीक है आप लोग बताएं ना, मैं निकाल देता हूँ. Dimensional formula of under root V upon A is equal to square root LT minus 1 upon LT minus 2. क्या ये square root of T आया? It means it may not be correct. E is incorrect. Similarly, if you check the option D, square root L upon A, L is length, A is LT minus 2, and you got T. So it will definitely correct. So D is correct. Similarly, you can do for others also. But you got the D option. So answer is D. ठीक है? Next question पे आते हैं. आप सोच रहे होंगे तो बड़ा सिंपल सवाल है, ऐसा थोड़ी पूछा जाएगा नेट में. चलिए कोई बात नहीं, अभी देखते हैं हम आगे कि इस तरीके का सवाल आएगा नहीं आएगा. ज्यादा तेज अगर हो रहा हो तो आप लोग मुझे बता देना. ठीक है, चलिए. नोट डाउन भी करना है ना सर? हाँ, नोट डाउन करते रहो. जैसे इसमें क्या है ना, जैसे ये स्लाइड्स जो दिखाएंगे ना, इनको बहुत ज्यादा नोट डाउन मत करो, क्योंकि न्यूटोनियन में थोड़ा सा मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा तो वो आप लोग जब वेबसाइट पे जाओगे ना तो आपको ये मिल जाएगा सब कुछ. सर ये नोट डाउन करना है? हाँ, ये नोट डाउन अभी आज का लेक्चर नोट डाउन मत करो. आज का लेक्चर केवल आप कॉपी पे पेन पे जो मैं कह रहा हूँ वो पढ़ते रहो, करते रहो. नेक्स्ट क्लास से एक्चुअल में न्यूटोनियन चालू करूंगा, तब आप लोग लेक्चर नोट करना और मैं टाइम भी दूंगा आप लोगों को. ओके, ठीक है. हाउ डज द स्पीड ऑफ वेव इन ए फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स डेंसिटी एंड बल्क मॉडुलस बी. ठीक है, बल्क मॉडुलस इज व्हाट? यूनिट्स ऑफ प्रेशर व्हिच इज फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके, सो वेलोसिटी इज डिपेंड्स ऑन डेंसिटी रो एंड बल्क मॉडुलस बी. सो लेट अस कंसीडर द पावर्स ऑफ रो एंड बी आर एक्स एंड वाई. हमें नहीं पता वो किस तरीके से डिपेंडेंट है. तो हियर एक्स एंड वाई आर कॉन्स्टेंट्स. एक्स एंड वाई आर some constants. ठीक है, अभी आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आएगा, आप लोग बने रहना क्लास में. तो b की डायमेंशन अगर देखें, अगर ये फार्मूला करेक्ट है डायमेंशनली, तो फिर इसकी डायमेंशन अगर देखें तो वेलोसिटी की डायमेंशन होगी एल टी माइनस वन. रो इज डेंसिटी, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एल क्यूब, सो पर यूनिट वॉल्यूम इज एम एल रेज़ टू द पावर माइनस 3. B is bulk modulus. Bulk modulus is pressure. Pressure is force per unit area. Force is MLT minus 2. Upon area is L2. So power is by. ठीक है, अगर आप लोगों को, जैसे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, ऑब्वियस है सारे बच्चे ना तो मुझसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग शाही बच्चे होते हैं, पूछ नहीं पाते. मैं आप लोगों को बीच बीच में इसलिए सजेशन दे रहा हूँ जिससे आप लोग कुछ सीख पाए. पहली बात, अगर किसी को डायमेंशन निकालने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग बताएं मुझे जरूर, जितना आप पूछ सकते हैं पूछें,
लेकिन ये चीज आप 11th क्लास की बुक में जाके, इसीलिए मैंने एससी वर्मा लिखी है। आप लोग एससी वर्मा की बुक इसीलिए मैंने लिखी है कि आप उसको देख सको उसमें जाके, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होना इस चीज को लेकर। अब आप देखें m की पावर ml t माइनस 3 रेस्ट टू दी पावर x, तो m रेस्ट टू दी पावर x हो गई, l रेस्ट टू दी पावर माइनस 3x हो गई, m रेस्ट टू दी पावर y हो गई यहां से, l रेस्ट टू दी पावर माइनस y हो गई और t रेस्ट टू दी पावर माइनस 2y हो गया। एल टी माइनस, बेटा मेरे साथ रिपीट मत करो प्लीज, रिपीट मत करो, ठीक है। पावर्स कंपेयर करते हैं जरा, पावर्स कंपेयर करते हैं। एम रेस टू दी पावर, कंपेयर दी पावर्स, दी पावर्स। सो एम रेस टू दी पावर इज एक्स प्लस वाई, यहां भी एम है और यहां भी एम है, तो एम की पावर कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई, और इधर कितनी है, कुछ भी नहीं है, y की, t की पावर अगर देखें तो माइनस टू बाई है, t एक ही जगह है यहां पर, तो यहां पर है, उधर कितना है, माइनस वाई, माइनस वन है। सो यहां से y निकल के आ गया 1/2, और यहां से निकल के आ गया x, x निकल के आ गया 1/2 लगाएंगे तो माइनस 1/2। इट मींस यू गॉट द रिलेशन विच इज डायमेंशनली करेक्ट, रो रेस टू दी पावर x मींस 1/2, by b raised to the power by, that is 1/2. So your formula could be, I am not definitely correct, your formula could be square root b upon rho. और आपको पता होगा कि ऐसा होता भी है, जो velocity of sound का, जो waves का जो formula होता है, वो square root of b, bulk modulus upon rho भी होता है, यही होता है formula, बस हम यहाँ पर proportionality constant को नहीं बता सकते, ये यहां पर इसका ड्रॉबैक भी है। अगर सारी चीजें यही बता देते और डायमेंशनल एनालिसिस सारी चीजें बता पाते तो ऐसे सिचुएशन के बाद इसका मतलब तो हमारे डायनेमिक्स और मैकेनिक्स और ये क्लासिकल मैकेनिक्स ये सब तो दो ही लेक्चर में खत्म हो जाते, ऐसा नहीं है, सारा कुछ यहां नहीं बताया जा सकता। ओवरऑल यू कैन अच्छा, किसी ने पूछा है कि पावर में कैसे लेंगे, आपने ये कैसे लिख दिया कि एक्स की रो की पावर और बी की पावर। तो देखिए ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है, वो बल्क मॉडुलस पे डिपेंड कर रही है, लेकिन ये नहीं बताया किस तरीके से, इज इट लीनियरली डिपेंडेंट, इट इज क्वाड्रेटिकली डिपेंडेंट ना। तो ये पता लगाने के लिए मैंने पावर को एक्स और वाई ली। ओके, चलिए आगे बढ़ सकता हूं मैं, चलिए आगे बढ़ता हूं। अब देखिए नेट में आया हुआ क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन आया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स का, थर्मल फिजिक्स का, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स को अगर ध्यान दें, ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान दें तो इसमें a अपॉन b है, इसमें a अपॉन b स्क्वायर है, इसमें a अपॉन b r है और इसमें b है। इट मींस ऑल ऑब्जेक्टिव्स हैव डिफरेंट डायमेंशंस, क्योंकि उनका फंक्शनल बिहेवियर अलग अलग है। तो क्यों ना अपना दिमाग थर्मल फिजिक्स में लगाए बिना इस सवाल के नंबर बोनस में ले लिए जाए, ऐसे एक दो क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाते हैं। ये बेसिकली किसकी एरर है, जिसने ये बनाया है पेपर उसकी एरर है, तो आपको बस फायदा उठाना। तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि ये कैसे करना है। फिलहाल द वंडरवाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए गैस इज गिवन बाय दिस, वेयर रो पी बी एंड टी रिप्रेजेंट द प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली एंड ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट पैरामीटर्स एट द क्रिटिकल पॉइंट वेयर ऑल द रूट्स ऑफ अबव क्यूबिक इक्वेशंस आर डीजनरेट द वॉल्यूम इज गिवन बाय। हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस क्या है, आंसर शुड बी वॉल्यूम, आंसर शुड हैव डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। तो अगर आप यहां देखें डायमेंशनली, अगर आप देखें तो यूनिट ऑफ बी शुड बी इक्वल टू यूनिट ऑफ बी,
मींस यूनिट ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि बी में से बी घटा है तो ये तभी घट सकता है जब बी डायमेंशन रखता हो वॉल्यूम की, यानी कि इन सारे ऑब्जेक्टिव में। और दूसरा ए की अगर यूनिट कहें तो यूनिट ऑफ ए अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू यूनिट ऑफ पी प्रेशर, सो यूनिट ऑफ ए इज यूनिट ऑफ पी इंटू वी स्क्वायर। सो अगर आपसे मैं ऑब्जेक्टिव के लिए कहूं तो ये ऑब्जेक्टिव कोई भी इन चार में से एक चूज करना है तो सबकी अगर डायमेंशन देखोगे तो अलग अलग आएगी, क्योंकि ए की डायमेंशन भी अलग है और बी की अलग है, तो ए अपॉन बी की कुछ और आएगी, बी अपॉन ए की कुछ और आएगी, बी अपॉन ए अपॉन बी स्क्वायर की अलग आएगी। तो आप देखें केवल इनमें से एक ही ऑब्जेक्टिव है जिसकी वॉल्यूम यूनिट बन रही, और आंसर क्या है जिसकी वॉल्यूम यूनिट बन रही है? डी ऑप्शन। तो ये बोनस में 3.5 मार्क्स मिल गए थे स्टूडेंट्स को बिना कुछ करे, बिना थर्मल फिजिक्स में दिमाग लगाए, टाइम सेव हो गया और आगे जगहों पे उस टाइम का इस्तेमाल किया। सर यूनिट ऑफ आर, यूनिट ऑफ आर आप निकाल सकते हैं, यूनिट ऑफ आर क्या होगा? पीबी अपॉन टी की यूनिट, यूनिट ऑफ आर इज पीबी अपॉन टी, पीबी इज इक्वल टू होता है एनआरटी। हाँ बेटा बोलो सर, प्रेशर के साथ जो चीज ऐड हुआ है अपॉन वी स्क्वायर या वॉल्यूम के साथ जो चीज सब्ट्रैक्ट हुआ है बी, तो क्या ये जो चीज ऐड हुई है या उसमें जो हमारा सब्ट्रैक्ट हुआ है तो उसका यूनिट दोनों का सेम होगा क्या? तभी होगा ये पॉसिबल ना? ऑब्वियस है, देखो आप खुद सोचो, अगर आप 1 मीटर लेंथ का कपड़ा लेके आओ मार्केट से, ठीक है, और एक थैले में 1 किलो चीनी डाल लो तो क्या लगता है आपको 2 किलो हो जाएगा कुछ? है गलत नहीं हो गया? ये कैसे जुड़ेंगे भाई? 1 मीटर अलग चीज है, 1 किलो अलग चीज है, दोनों चीजें अलग अलग है। तो होमोजेनिटी मींस सेम क्वांटिटीज, सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन ऐड एंड सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन सब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना? सो यूनिट वॉल्यूम कैसे आई है? बी की यूनिट वी माइनस बी लिखा हुआ है ना? यस सर। तो बी में से बी घट रहा है तो वो जरूर वॉल्यूम ही होगा क्योंकि वी वॉल्यूम है। अरे भाई बी वॉल्यूम है तो बी भी वॉल्यूम ही होगा, अदरवाइज घट ही नहीं सकता। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोले। तो सर ऐसे अगर प्रेशर के बारे में पूछा होता तो बी ऑप्शन हो जाता ना सर? वो देखना पड़ता बेटा, ये एग्जाम में आया हुआ है, वो आगे क्या हो सकता था वो बाद में बात करेंगे, ठीक है? इससे क्या होगा बच्चे और डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके मेरी बात सुन लो आज, ठीक है? बाकी मैं आपसे बाद में बात करूंगा लेक्चर खत्म होने के बाद, सबको मैं अपनी बात कह देना चाहता हूं, अच्छा रहे, ठीक है? बड़ा मजा आएगा। ये भी देखिए नेट में आया हुआ क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। क्या रिपीट कर दूं पीछे वाला क्वेश्चन? yes, अच्छा बेटा बेटा सुनो मेरी बात को। P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी है, ठीक है? अगर आप जहां जहां प्लस लगा हुआ है ना, प्लस के इर्द गिर्द दोनों एक जैसी क्वांटिटी होंगी, अगर ये सेम डायमेंशन होंगी इन दोनों की, इसकी भी सेम होगी इसके, और अगर माइनस है तो भी सेम कंडीशन होगी, इसके इर्द गिर्द अगर कोई क्वांटिटी लिखी होगी तो वो सेम डायमेंशन रखती होगी, ठीक है? तो ये वी है, वॉल्यूम है, तो ये भी वॉल्यूम ही होगा, और ये प्रेशर है तो ये पूरा प्रेशर होगा, ठीक है ना? अब अगर ये प्रेशर है तो ये पूरा प्रेशर होगा, तो ए फिर क्या होगा? अगर ए अपॉन बी स्क्वायर की डायमेंशन वही है जो पी की है, तो ए की डायमेंशन पी बी स्क्वायर की डायमेंशन के बराबर हो जाएगी और बी की डायमेंशन बी के बराबर हो जाएगी, तो वही इस तरीके से नहीं लिखते हैं, इस बात को लिखने का तरीका ये है। यूनिट्स ऑफ बी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ ए अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू यूनिट ऑफ पी, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में ले जाओ तो यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिट ऑफ पी बी स्क्वायर। ओके सर, अब आगे समझ, ठीक है? टेम्परेचर की बेटा अलग डायमेंशन होती है, अब मैं सारी बातें बताऊंगा आप लोगों को, ये बस सोचो।
नाइन्थ क्लास में हम लोग 7 फिजिकल क्वांटिटी पढ़े होंगे आप लोग, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, 7 कैंडेला। बेटा ये नहीं बताऊंगा, बेटा मैं ये नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों के लिए मैंने कहा ना, एस सी वर्मा की बुक ले लो, एबीसी ले लो, गूगल कर लो, प्रदीप तो करना है वो कर लो, प्रदीप की ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन ये अपने आप कर लो भाई, ये वाली चीज में पूछो मत, क्योंकि अगर फिर इसमें चले गए ना तो नेट की प्रिपरेशन नहीं होगी, फिर तो 11th क्लास की प्रिपरेशन हो जाएगी। क्या पूछा था सर? ये सर आ गया समझ में। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस प्लैंक डिफाइंड ए करैक्टरिस्टिक टेम्परेचर टीपी। हाँ बेटा। सर तो अभी जो आपने बताया कि सेम क्वांटिटी में हमेशा सेम क्वांटिटी कम होगी, हाँ, तो अगर कोई और फॉर्मूला हो जिसमें प्रेशर माइनस वॉल्यूम दे रखा है। नहीं नहीं, किसी तो वो गलत फॉर्मूला है, अगर प्रेशर में से वॉल्यूम घटाया हुआ है तो गलत है। तो सर ऐसे तो थर्मोडायनेमिक्स में जो थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन जो है, हाँ, उनमें तो बहुत सारे में दे रखा है ये वाला। बेटा कोई एक भी दिखाना आप नेक्स्ट क्लास में, कोई एक भी, कोई एक भी दिखाना, ठीक है, मैं आपको मौका दूंगा पूरा। ठीक है चलिए, तो यूजिंग डायमेंशनल प्लैंक डिफाइंड ए करैक्टरिस्टिक टेम्परेचर टीपी फ्रॉम पावर्स ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, ये इन चीजों पे डिपेंडेंट है। द एक्सप्रेशन फॉर टीपी इज प्रोपोर्शनल टू, तो हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड या अल्फा बीटा गामा डेल्टा लगा देनी है पावर्स, क्योंकि ए बी सी नहीं लगा रहे क्योंकि सिमिलरिटी क्वेश्चन है क्वेश्चन में। बेटा अपने आप को म्यूट करें, तो पावर्स लगाएं अल्फा बीटा गामा डेल्टा। मेरी आवाज आ रही है सब तक? यस सर। ओके ओके ओके, तो टेम्परेचर की डायमेंशन जो होती है वो केल्विन से रिप्रेजेंट करो, तो के से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, प्लैंक कांस्टेंट की, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, और स्पीड ऑफ लाइट मतलब लाइट की स्पीड की, तो मैं लिख देता हूं टी माइनस वन पावर डेल्टा। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कैसे निकालूंगा वो मैं यहां दिखा देता हूं, जी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू होता है जी एम टू ओवर आर स्क्वायर, तो जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर ओवर एम एन एम टू, तो जी की डायमेंशन निकालूंगा तो आएगा एफ की डायमेंशन होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, इसकी हो गई एल टू लंबाई की, मास इंटू मास, तो मास को अगर एक काट दें तो यह जाएगा एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। ठीक है ना, ऐसी प्लैंक्स कांस्टेंट की अगर देखें तो ई बराबर एच न्यू होता है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ई बाई न्यू। तो यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, एनर्जी की होती है ml2 t-2, फ्रीक्वेंसी की होती है t-1, तो ये आ जाएगा ml2 t-1। ऐसी सबकी निकाल लोगे, ऐसी सबकी निकाल लोगे और यहां लगा देना, तो यहां लगा दोगे आप, यहां लगा दोगे, यहां लगा दोगे, पावर चढ़ा देना, और जैसे मैंने पीछे वाला सवाल किया है वैसे ही आप इसको करना घर पर, अभी आप लोग घर पर आराम से कर सकते हैं, और पावर कंपेयर करना और आप लोग निकाल के देखना कौन सा आंसर सही होगा, इट कुड बी योर होमवर्क, दैट्स व्हाई आई हैव लेफ्ट हियर, मैं छोड़ देता हूं इसको, ये आप समझ गए होंगे आपको करना क्या है, क्या सभी लोग कर सकते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। केबी के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? अच्छा कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं, तो केबी के लिए बता देता हूं, केबीटी आ जाएगा उसकी जगह, इक्वल्स टू e इज इक्वल टू 3/2 केटी होता है, 2 केबीटी सर, केबीटी, केबीटी हो जाएगी एनर्जी बाय टेम्परेचर,
टेम्परेचर है ना, तो ये एनर्जी की हो जाएगी, यूनिट ऑफ के बी इज, एक मिनट रुके, एम एल टू टी माइनस टू अपॉन के, बस ये हो गई। अब तो सब कुछ है आपके सामने, ये भी मैंने करके दिखा दिया, ये भी मैंने करके दिखा दिया, ये भी करके दिखा दिया, अब आपको लगाना लगाना है और इक्वेशन सॉल्व करनी है। इतना एक्सपेक्ट करते हैं एमएससी स्टूडेंट से कि वो कर सकते हैं। मैं आगे दूंगा क्योंकि मुझे अपनी बात कहनी है, ठीक है बेटा? चलिए, कई सारे क्वेश्चन नेट में, गेट में इस तरीके के क्वेश्चन आ गए। आप देखिए क्वेश्चन क्या है और आंसर मैं कैसे निकाल रहा हूं। क्वेश्चन फिर ये देखिए आप, क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स का, और थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन क्या है, द प्रेशर पी ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स कंटेन्ड इन ए वॉल्यूम वी इज रिप्रेजेंटेड बाई, डजंट मैटर क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है एन के बी टी माइनस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस वन बाई सिक्स बी एन क्यूब, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। एन इज नंबर डेंसिटी, एन इज नंबर डेंसिटी और ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, उनकी डायमेंशन ऑब्वियस होगी कुछ ना कुछ, तभी प्रेशर के बराबर हो सकते हैं। अब आप देखें, सुन लें, ये भी प्रेशर, ये प्रेशर है ऑब्वियस है, तो ये भी प्रेशर होगा तभी जुड़ रहे हैं, ये भी प्रेशर होगा तभी जुड़ रहे हैं, ये भी प्रेशर होगा तभी घट रहे हैं, जो भी है कि ये सारे प्रेशर होने चाहिए तभी ये इक्वेशन सही है, अदरवाइज ये प्रेशर नहीं, अदरवाइज ये इक्वेशन सही नहीं। तो आप मुझे ये बताएं कि केबीटी की डायमेंशन, एन केबीटी की डायमेंशन से हमें मतलब नहीं, क्योंकि हमारे ऑप्शन में ए है और बी है ना, ए और बी है, ठीक है, बाकी हमें पता है केबीटी तो ए बी वाली क्वेश्चन कंसीडर करेंगे। बेटा सुनो, वो पहले बात सुन लो पहले, है ना, आप अपनी बात ना कहो, अभी मेरी बात सुन लो, मैंने पूरी बात नहीं कही। तो यूनिट ऑफ हाफ ए एन स्क्वायर, हाफ भी नहीं लगाता हूं क्योंकि हाफ की तो कोई यूनिट नहीं होती है, ए एन स्क्वायर वही होगी जो यूनिट ऑफ पी होगी। तो आप मुझे बताएं नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी है ना, तो आप सोचें नंबर डेंसिटी का मतलब क्या है, यूनिट ऑफ ए कितना होगा, यूनिट ऑफ पी अपॉन एन स्क्वायर। अच्छा, पी अपॉन एन स्क्वायर क्या हुआ, नंबर डेंसिटी का मतलब हुआ पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी का मतलब हुआ पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम मतलब ये वन अपॉन पी स्क्वायर है, वन अपॉन बी स्क्वायर है, यानी कि पी बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एम जो है, एन की डायमेंशंस वही होंगी जो वन अपॉन पी की होंगी, वन अपॉन वी की डायमेंशंस और एन की डायमेंशंस सेम होंगी। नंबर डेंसिटी का मतलब हुआ पर वॉल्यूम, तो एन की जगह पे आप ऐसे समझ ले नंबर डेंसिटी है, तो इसकी डायमेंशन अगर देखें तो डायमेंशन या यूनिट ऑफ एन इज इक्वल टू यूनिट ऑफ वन अपॉन बी, ऐसे समझ ले, वॉल्यूम की यूनिट क्या रेसिप्रोकल होगा, तो p अपॉन एन स्क्वायर, एन की जगह वन अपॉन बी लगाऊंगा तो पी बी स्क्वायर आ गया। तो यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिट ऑफ पी बी स्क्वायर, ये मैंने यहां फिर से दोबारा लिख लिया है। अब जरा यूनिट ऑफ अगली बात देखें, यूनिट ऑफ हाफ वन बाई सिक्स बी एन क्यूब बराबर भी पी होगा, तो बी एन क्यूब की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ पी, पी, और तो यानी कि यूनिट ऑफ बी क्या होगा, यूनिट ऑफ बी क्या होगा, आप बता सकते हैं डायरेक्ट, पी वी क्यूब जो पी बी स्क्वायर। आप खुद सोचे, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी आंसर शुड बी, शुड हैव डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर होने के लिए आप सोचें कि अभी आपने बताया E अपॉन E इज इक्वल टू होता है थ्री बाई टू के बी टी, तो टेम्परेचर होने के लिए E अपॉन के बी, एनर्जी अपॉन के बी होना चाहिए टेम्परेचर के लिए, एनर्जी अपॉन के बी, अगर एनर्जी देखें तो कहां से मिलेगी, जरा मुझे बताएं, यूनिट ऑफ
ए अपॉन क्या कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है, ए अपॉन बी की देखेंगे, ए अपॉन बी की, ए अपॉन बी की यूनिट क्या होगी, वन अपॉन बी की यूनिट, यूनिट वन बाय बी, देखें एक मिनट मैं पहले इसको, बेटा 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 ना ना बोलो ना बोलो ना बोलो, अगर आप इसमें दोनों को फोकस करें तो यूनिट ऑफ ए अपॉन बी वन बाई बी होगा, यूनिट ऑफ ए अपॉन बी स्क्वायर, ए अपॉन बी स्क्वायर, ए अपॉन बी स्क्वायर, ए अपॉन बी स्क्वायर, यूनिट ऑफ पी बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर बी की पावर सिक्स, ये भी कुछ बनेगा नहीं, ये भी कुछ बनेगा नहीं। दूसरा देखें ए स्क्वायर अपॉन बी किस में आ रहा है, ए स्क्वायर अपॉन बी की यूनिट देखें, ए स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर बी की पावर फोर अपॉन पी बी की क्यूब, यही आएगा ना, तो यानी कि यहां से आएगा यूनिट ऑफ पी बी, और पी बी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू का मतलब वर्क, वर्क का मतलब एनर्जी, पी इंटू बी, पी प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ये एनर्जी हो गई एक तरीके से, और एनर्जी की केबी से डिवाइड कर दो ए स्क्वायर अपॉन केबी, तो ये सी ऑप्शन सर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये एनर्जी हो गई यूनिट ऑफ एनर्जी। अब आप सोच रहे होंगे इतना सारा काम करने से बढ़िया यही है कि हम सीधे सीधे कर लें, तो आपको मैं बता दूं इससे हल्का नहीं पड़ेगा, फिर ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन थ्री इज करेक्ट। तो आपको क्या करना है, ए और बी की डायमेंशन निकाल के और आपको इनमें लगानी है और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है? यस सर। हो सकता है अभी आप लोगों को लग रहा हो कि ये सब चीजें उतनी रिलेवेंट है नहीं, लेकिन मेरी बात, मैंने कहा ना मेरी बात खत्म होने दो, लेक्चर के बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये किस तरह बढ़ जाने वाली, ठीक है, केवल यही चीज नहीं। चलिए इसमें ज्यादा देर नहीं लगाते, मैंने आपको केवल प्रवोक किया है कि यूनिट्स एंड डायमेंशन आपको पढ़नी है, ठीक है? हाँ बेटा कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ बेटा बोले। कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में यूनिट डायमेंशन लगा के करेंगे तो सही आंसर आएगा या? हाँ ये बात आपने अच्छा पूछा, मैंने आपको अभी इससे पहले भी बताया था कि ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखो, चारों ऑब्जेक्टिव आपको दिखाई दे जाएंगे कि ये यूनिट सेम है कि नहीं है, जैसे मैंने तीन क्वेश्चन करवाए हैं, इन चारों ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखो, ए अपॉन बी है, एक में ए अपॉन बी स्क्वायर है, एक में ए अपॉन बी आर है, एक में बी है, तो सबसे पहले आप यूनिट से करो इस सवाल, इस वाले क्वेश्चन में देखो इसमें तो यूनिट से करना ही है क्योंकि सबकी फंक्शनल अपीयरेंस अलग अलग है, अलग अलग जगहों पर है, तो यूनिट से हो जाएगा ये भी सवाल। सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखो, एक में a अपॉन b है, एक में a अपॉन b स्क्वायर है, एक में a स्क्वायर अपॉन b है, एक में a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर है, तो ये भी यूनिट्स एंड डायमेंशन से हो जाएगा, तो ऐसे पता चलेगा। अब मान लीजिए को ऑब्जेक्टिव आया जिसमें a b c ऑब्जेक्टिव है, l 2l 3l 4l, अब ये थोड़ी यूनिट से हो जाएगा, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव देखकर पता चल जाएगा तुरंत के तुरंत कि ये ऑब्जेक्टिव आपको किससे करना है। ओके सर, ठीक है, हां ऑब्जेक्टिव देखकर अंदाजा लगेगा। ओके सर। ओके चलिए ड्रॉबैक्स अब देखते हैं क्योंकि हमारा लेक्चर केवल वही नहीं, तो मैंने आपको क्या कहा, केवल मैंने आपको प्रोवोक किया है कि आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस करने हैं। चलिए डायमेंशन एनालिसिस के कुछ घाटे वो देखते हैं, क्या घाटा है, तो चेकिंग यूनिट्स वुड नॉट टेल यू दैट योर आंसर इज डेफिनेटली करेक्ट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। सो व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, तो पहला ड्रॉबैक देखें आप, इट फेल्स व्हाइल यूजिंग टू ड्राइव ए रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज इफ देयर आर मोर देन थ्री अननोन वेरिएबल्स। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर तीन से ज्यादा डिपेंड करा तो उसमें ऑब्वियस है, ये लाइन का मतलब है ये इन जनरल नहीं लिखी हुई है। अगर मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशन आ जाए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक आ गई ए प्लस बी इज इक्वल टू वन और एक आ गई सी प्लस बी इज इक्वल टू टू, क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सॉल्यूशन तभी मिलेगा जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन, तो चूंकि अक्सर क्या होता है एम एल टी इसी में घूमती रहती है डायमेंशंस, तो अगर एम में और एल की और टी की पावर कंपेयर करोगे तो आपको तीन इक्वेशंस मिलेंगी, तीन तक तो सही है, लेकिन अगर इसी तरीके का है सारी फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी चार वेरिएबल्स इन्वॉल्व है तो आपको चार इक्वेशंस मिलेंगी
और आपके पास चार आपको इक्वेशंस मिलेंगी और आपके पास तीन इक्वेशंस मिलेंगी और आपके पास चार वेरिएबल होंगे जो कि आपसे सॉल्व नहीं होंगे। तो ओवरऑल इसकी एक लिमिटेशन ये है कि ज्यादा वेरिएबल पे, तीन से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। इट डज नॉट टेल वेदर ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए स्केलर और वेक्टर, क्योंकि वेक्टर्स और स्केलर्स की फिजिकल क्वांटिटीज की जो डायमेंशन होती है, यूनिट्स होती है, वो सेम होती है कुछ की। जैसे अगर मैं आपसे कहूं टॉर्क, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन इसकी डायमेंशन वही होती है जो वर्क की होती है, वर्क की होती है, वर्क की। तो फोर्स की, सॉरी हाँ सही तो बोल रहा हूं मैं, टॉर्क इज, सुन लो बेटा सुन लो, देखो किरचॉफ्स का लॉ आपको याद है, किरचॉफ ने एक नियम दिया था, श्रेष्ठ उत्सर्जक ही श्रेष्ठ अवशोषक होते हैं, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर। तो आप एब्जॉर्बर बनो अभी, है ना, एब्जॉर्ब करो पहले चीजों को, उसके बाद बोलना। ओके, इट डज नॉट टेल वेदर ए फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। तो टॉर्क जो है वेक्टर है, वर्क जो है वो स्केलर है, बावजूद इनके डायमेंशन क्या है, सेम है। इट डज नॉट टेल अस द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व्ड। इट डज नॉट ऑलवेज टेल अस द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन। ये हमें एग्जैक्ट रिलेशन नहीं बता पाती। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्राइविंग लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल रिलेशंस। जैसे मान लीजिए आपके पास y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx है, इस रिलेशन को नहीं ढूंढ पाएगी क्योंकि इसमें डायमेंशन लेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। इनको नहीं ड्राइव कर सकते आप किससे, डायमेंशनल एनालिसिस से, ऐसी क्वांटिटीज को जिनमें डायमेंशन ही नहीं है, जिनकी खुद की कोई डायमेंशन नहीं होती, उनको आप सॉल्व नहीं कर सकते। ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे नॉट ऑलवेज बी करेक्ट। अगर मान लीजिए आपने डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन निकाल भी ली तो वो जरूरी नहीं सही हो, बिकॉज देर आर मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस। आपने लगाया तो टॉर्क, लेकिन है वो वर्क, टॉर्क अलग चीज होती है, वर्क अलग चीज होती है, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस तो दोनों को एक जैसा समझती, तो आप एकदम सही नहीं बता सकते कि वो फार्मूला एग्जैक्ट करेक्ट है नहीं। तो दीज आर दी ड्रॉबैक्स। आई थिंक आप लोगों को इसको पढ़ने में, अगर आप 12th स्टैंडर्ड की कोई भी बुक ले लेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, चेकिंग लिमिटिंग एंड स्पेशल केसेस। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप देखेंगे कैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनते रहे, थोड़ी देर की बात है, हमें सुनते रहे, अच्छा लगेगा आपको, नो डाउट। तो चेकिंग यूनिट्स एंड लिमिटिंग केसेस, सॉरी चेकिंग लिमिटिंग केसेस एंड स्पेशल केसेस एंड मेक अप्रोक्सीमेशंस, व्हाट आर द बेनिफिट्स बिहाइंड इट। इफ यू आर हैविंग ट्रबल फिगरिंग आउट हाउ ए गिवन सिस्टम और प्रॉब्लम बिहेव्स, देन यू कैन फिगर आउट, वेरी नाइस। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम कैसी है, क्या है, तो यू कैन फिगर आउट इट कि ये कैसी है, बाय चेकिंग लिमिटिंग केसेस एंड स्पेशल केसेस। दिखाएंगे कैसे। यू कैन कन्विंस योर सेल्फ, आप अपने आप को कन्विंस कर सकते हैं, हैविंग कन्विंस योर सेल्फ, मॉडिफाइंग द वेरियस पैरामीटर्स एंड ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑन द सिस्टम कैन लीड टू एन इनोमरस इंफॉर्मेशन। मीन्स If you vary some parameters involved in the formula, particular formula, आपने ये माना कि मान लीजिए मैंने आपको बोला था अभी टेंशन बढ़ाते हैं तो क्या होता है, तो आपको वो इफेक्ट आप देख सकते हो सिस्टम पर, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन उससे ड्रॉ कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। मान लीजिए ये सारे पॉइंट आपको समझ नहीं आए, तो ये समझ में कैसे आएंगे, जब आप इसको समझाए, जब आप इसके रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। करें शुरू, बड़ा मजा आएगा। अब ये देख लिए, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है और आपको देखने में बिल्कुल पसंद नहीं आएगा ये प्रॉब्लम। आप देखें, आप पढ़ के देखेंगे तो आपको हो सकता है नींद भी आ जाए, आपको लगेगा यार ये तो संभाल कैसे अभी होगा, अभी कैसे होगा ये। ए पार्टिकल ऑफ मास है मूव्स इन ए सेंट्रल फोर्स वी आर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन आर इज इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ऑर्बिट की इक्वेशन दी हुई है, एंड ई आर सेमी मेजर एक्सिस एंड इसेंट्रिसिटी रिस्पेक्टिवली, इफ इट्स टोटल एनर्जी इज माइनस के अपॉन टू ए देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज। अब आपको सारे ऑप्शन देखें,
इज अ नंबर ऑल क्वेश्चंस ऑल ऑल ऑब्जेक्टिव्स हैव सेम डायमेंशंस देखें ध्यान से इसकी भी डायमेंशन ई की है इसकी भी ई की है इसकी भी ई की है इसकी भी ई की है अब ये सवाल तो डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं हो पाएगा ये सवाल डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं हो पाएगा लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं इसको भी विदाउट नॉलेज ऑफ सेंट्रल फोर्स सेंट्रल फोर्स के बिना जाने आप कर सकते हैं आप मुझे कुछ बातें बता सकते हैं आप लोग बता सकते हैं इसलिए पूछ रहा हूं इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होती है इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मे बी ना 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 ऐसे नहीं पूछ रहा हूं एक से ज्यादा या एक से कम ऐसे पूछ रहा हूं लेस देन 1 ये दुनिया जानती है ठीक है आप भी जानो इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 अच्छा एक बात ये जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी शुड बी ए पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ एम बी अभी नेगेटिव नहीं सुनी होगी आपने ना तो हाफ नेगेटिव होता है ना एम नेगेटिव होता है ना बी नेगेटिव बी स्क्वायर नेगेटिव होता है जरा बेटा बंद कर रहे हैं आप अपनी आवाज को तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर एम आई करेक्ट ओके सो इज लेस देन 1 एंड काइनेटिक एनर्जी इज अ पॉजिटिव नंबर एंड इट इज गिवन दैट टोटल एनर्जी इज ए नेगेटिव नंबर ध्यान से देखें आप टोटल एनर्जी क्या है नेगेटिव है ये दिख रही है यहां पर टोटल एनर्जी नेगेटिव है ना तो आप मुझे ये बता दें ई की नेगेटिव वैल्यू के लिए ये वाला फैक्टर क्या होगा 1 माइनस ई स्क्वायर ई की 1 से छोटी वैल्यू हो तो ये कैसा होगा पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव और ये क्या है पॉजिटिव नेगेटिव तो ये टोटल क्या आएगा नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी नेवर बी नेगेटिव सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ सर एनर्जी नेगेटिव कैसे बताई थी आपने बताना नहीं लिखी हुई है अच्छा ये गिवन है सर बेटा बेटा आप लोग आपस में डिस्कस मत करो प्लीज एनर्जी इज नेगेटिव और ये आप लोगों को वैसे भी पता होना चाहिए कि जब कोई पार्टिकल बाउंड ऑर्बिट में होता है तो टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है हाँ बेटा बोले फर्स्ट पॉइंट का पता नहीं चला किस तरह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव आ रहा है देख ले आप मुझे ये बताएं चलिए मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूं थोड़ा पेन का कलर बदल लेता हूं मुझे बताएं ई क्या है पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव बोले तो ये दोनों मिला के जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव जबकि काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या बोला आपसे पॉजिटिव होनी चाहिए कैसे हो सकती है ये इसलिए ये गलत ई क्या है नेगेटिव नंबर और E-1 इज ए नेगेटिव नंबर और ये तो पॉजिटिव है ही ऊपर वाला तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट क्या आएगा पॉजिटिव आएगा चलिए हो सकता है ये आंसर सही इसको देखें अभी देखते हैं ना हो सकता है हमारा लॉजिक कई लोग कई जगह लागू हो जाए 1 माइनस ई स्क्वायर ई इज लेस देन 1 इट इज नेगेटिव नंबर इट इज पॉजिटिव सॉरी पॉजिटिव और e is a negative number, so product is negative. And here, this number is positive, and this is negative. So product is negative. यानी इसमें product negative आ रहा है, इसमें product negative आ रहा है, इसमें product positive आ रहा है, और इसमें product negative आ रहा है. क्या मैं सही कह रहा हूँ? Yes sir. अब आप सोच लो कैसे कौन सा सही होगा? Yes. ये तो सवाल बन गया किसका ये सवाल बन गया किसका ऐसे समझ लो जैसे रीजनिंग का सवाल बना दिया ये रीजनिंग का सवाल बना दिया इस तरीके से और सवाल किसका था सेंट्रल फोर्स का आप लॉजिक समझें लॉजिक ये है कि आप अपने आप को कन्विंस करें कि सारे ऑब्जेक्टिव में एक जैसी बातें हैं कि नहीं बस डिपेंड करेगा इज 2.7 आई थिंक आपको नहीं पता है फिर इसका मतलब
बेटा 2.7 ई इज एक्सपोनेंशियल, ई इज यहां पे क्या है, ई इसेंट्रिसिटी है, एक्सपोनेंशियल और इसेंट्रिसिटी में फर्क होता है बेटा, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, टू इज करेक्ट। हाँ सर, जैसे आपने बोला कि ऑप्शंस देख के हम डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन कर सकते हैं अगर डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन के ऑप्शंस दे रखे हैं, अब इस टाइप के ऑप्शंस में फिर सर कैसे देखेंगे जो ये वाले आपने बताया अभी, ये वाला बेटा बताया ना अभी, यही तो लॉजिक बता रहा हूँ, अभी डायमेंशन सबकी सेम है तब भी मैंने लॉजिक ढूंढा है। यस सर, यही मैं कह रहा हूँ, यही तो लिमिटिंग केसेस है। ओके, हमें यही करना है कि डिफरेंट डिफरेंट कन्विंस करना अपने आपको कि क्या ये सही है नहीं है। जैसे आपको भी एक सवाल में नहीं समझ में आएगा क्या चाह रहा हूं मैं, अगले सवाल पे जाएंगे तब समझ में आएगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले इस सवाल के सोल्यूशन से रिलेटेड। यस सर। हाँ बोले सर, जैसे e की वैल्यू आप नेगेटिव लेके चल रहे हैं सर, वन लेस देन सर, e वन से छोटा नेगेटिव होता है सर, जीरो और माइनस वन इसमें जाएंगे नहीं सर वैल्यू। क्या बोल रहे हो, कैपिटल e की बात कर रहे हो या स्मॉल e की? स्मॉल e सर, स्मॉल e की वैल्यू नेगेटिव कब लिखी है मैंने? e लेस देन टू वन लेनी है ना सर हमें वैल्यू, जीरो से बड़ी और एक से छोटी नेगेटिव होती है? नो सर, हम ये बोल रहे हैं कि जो e की वैल्यू है सर वो वन, उससे वन से कम लेनी और जीरो से बड़ी लेनी है ना सर, बीच वाली मतलब वैल्यू लेनी है ना सर हमें, कोई सी भी ले लो, वन से छोटा होगा तो e माइनस वन पॉजिटिव नेगेटिव नंबर ही आएगा, तो समझ में आ गया था सर ना। हाँ ये तो आ गया सर समझ में। हाँ तो कोई सी भी ले लो वैल्यू। ओके सर, अब देखो ये सवाल सामने आपकी स्क्रीन पे है, ये सवाल टिफर में आया हुआ है, ये सारे सवाल आप लोगों को न्यूटोनियन मैकेनिक्स से भी करवाऊंगा, ऐसा मत सोचना ऐसे ही चलता रहेगा। अब आपको लग रहा है कि इसमें भी कोई लॉजिक हो सकता है इस सवाल को करने में, पढ़ के देखें आप इसको। ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m फॉल्स फ्रॉम रेस्ट एट ए हाइट h अंडर ग्रेविटी थ्रू ए डेंस मीडियम प्रोवाइड्स व्हिच प्रोवाइड्स ए रेजिस्टिव फोर्स f = -kb2। यानी कि एक बॉल को h हाइट से गिरा दिया गया है एक रेजिस्टिव मीडियम में जो प्रोपोर्शन है किसके, बी स्क्वायर के, ठीक है, डेंस मीडियम में। इट विल हिट द ग्राउंड विद ए काइनेटिक एनर्जी, किस काइनेटिक एनर्जी से गिरेगा, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हमें। अब ये चार ऑब्जेक्टिव है आपके सामने, ऑब्वियस है साइन अलग होता है, टेन अलग होता है, एक्सपोनेंशियल अलग होता है, वन प्लस ई की पावर कुछ अलग होता होगा, तो हमें फिगर आउट करना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। हाँ बेटा सुने सुने सुने, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल है, सुनते रहे बस। अब देखें आप ये सोचें कि क्या है एक्सपोनेंशियल, आपने कभी सोचा है कि ई क्या होता है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है? नहीं, एक्सपोनेंशियल होता क्या है, किसी की पावर नहीं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पॉलीनोमियल। बेटा सुनो पहले, आप लोग पता क्या बहुत जल्दी बता देते हो आंसर, यही आप लोगों की बुराई, इतनी जल्दी नहीं बताना है। सीरीज ऑफ सम, सुन लो बेटा, एक्सपोनेंशियल होता है ई की पावर, है ना, और ई की पावर का मतलब क्या है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ई इज इरेशनल नंबर। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की e क्या होता है, पाई क्या होता है, आई क्या होता है, आयोटा क्या होता है, क्यों आगे ट्रांसेंडेंटल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं बेटा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल इज मैक्सिमम ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल इज मैक्सिमम ग्रोथ, वेरी नाइस, ऐसी बातें करना चाह रहा हूं मैं आपसे। पाई क्यों इरेशनल नंबर ले लिया, पाई को क्यों नहीं ले लिया आप लोगों ने इरेशनल नंबर, तो इस पे बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, एक एक बुक लिखी हुई है इस पे, थ्योरी ऑफ ई, थ्योरी ऑफ पाई, थ्योरी ऑफ आई, तो आप लोग थोड़ा सोचे, चिंतन करें, मैं चिंतन की बात कर रहा हूं, आज पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ा समझें। एक्सपोनेंशियल ये कुछ और होगा, ये कुछ और होगा,
भाई दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ तो होगा, ऐसे थोड़े कि ये दोनों एक जैसा बिहेव कर रहे होंगे। तो हमें इनके बिहेवियर को देखना है, देखते हैं कैसे देख सकते हैं। ठीक है, सुने जरा, अगर सोचो रजिस्टिव फोर्स खत्म ही कर दे, ऐसे सोचो के बराबर हो गया जीरो, के बराबर जीरो हो गया, रजिस्टिव फोर्स खत्म हो गया, बता सकते हो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अगर एच हाइट से कोई गिर जाएगा? एच हाइट से कोई गिर जाएगा तो कितनी काइनेटिक एनर्जी से टकराएगा? अंडर रूट 2 जीएच mgh बेटा, सीधा सीधा ना, पोटेंशियल एनर्जी mgh थी तो mgh ही रहेगी टोटल। यस सर, समझ रहे हो? अब वैसे भी निकाल के देख लो आपका mgh ही आएगा। आप ये देखो k बराबर 0 रखने पर, k tending towards 0 रखने पर काइनेटिक एनर्जी mgh की तरफ किस किस ऑब्जेक्टिव में भाग रही है, बड़ा मजा आएगा। आप एक बात सोचो, इसकी एक्सपोनेंशियल टर्म को अगर खोलोगे a ऑब्जेक्टिव की, तो m स्क्वायर g अपॉन 2k अभी लगाएंगे, ठीक है, 1 माइनस 2kh अपॉन m। इस तरीके से अगर करते हैं तो मुझे तो नहीं लगता k बराबर 0 रखने पर ये इन्फिनिटी देगा। एज k टेंस टू 0, e k टेंस टू, दिस ऑब्जेक्टिव टेंस टू m स्क्वायर g 0, सोचो, सॉरी इन्फिनिटी, देखो, नहीं समझ में आया? हाँ ठीक है सर, हाँ एक मिनट देख लो, m स्क्वायर g अपॉन 2k माइनस 2 mgh, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और k की वैल्यू 0 रखने पे mgh तो नहीं आएगा, ये टेंड करेगा किधर, इन्फिनिटी की तरफ, एज k टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब आप सोच रहे हो, अब आपके दिमाग में घंटी बज रही होगी कि ये वन काटना पड़ेगा, ये वन काटना पड़ेगा, ये वन काटना पड़ेगा तभी बनेगी बात। तो ये वन कब कटेगा, जरा सी ऑब्जेक्टिव पे जाए, सी ऑब्जेक्टिव पे जाए, एम स्क्वायर जी अपॉन टू के वन प्लस वन माइनस ई टू के एच अपॉन एम, और अदर पावर्स को छोड़ दें तो नहीं कटा। इसका मतलब ये भी इंफिनिटी जाएगा। जरा डी ऑब्जेक्टिव पे जाए, उसमें कट जाएगा, एम स्क्वायर जी अपॉन टू के, देख रहा हूँ कितनी जल्दी इलिमिनेट कर लिए। ये आप 50-50 खेलते हैं ना अमिताभ बच्चन, तो आप 50-50 तो कम से कम कर ही लिए। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल हो गए तो 1 माइनस 1 प्लस 2 के एच अपॉन जी एम, तो आप देखेंगे कि जब ये एम जी एच से 1 से 1 उड़ गया, के से के उड़ गया, ये एम जी एच की तरफ भाग रहा है एज के टेंडिंग टूवर्ड्स 0। इट कुड बी आंसर। एक बचा हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में, आपको पता होगा टैन जो होता है वो बढ़ता घटता रहता है। यस सर। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। इट कुड बी, इट नेवर बी टेंडिंग टुवर्ड जीरो, तो इट मे बी, इट नॉट, इट इज नॉट करेक्ट। भाई आप सोचो, साइन है, टैन है, कॉस है, ये सब क्या होते हैं, बढ़ते उड़ते रहते हैं ना। यस सर। उतरते चढ़ते रहते, कैसे पॉसिबल है? ये तो लगातार बढ़ेगी ना, काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ने वाली चीज है लगातार, जैसे जैसे गिरेगा पार्टिकल। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये देखो, बिना किसी रीजनिंग के, बिना इंटीग्रल के, बिना इक्वेशन सॉल्व किए आंसर आपके सामने। आई थिंक अब आपको थोड़ा आनंद आ रहा होगा, अभी तक शायद नहीं आया हो, तो कुछ लोग जो आनंद लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। सर एक बार इसका मतलब, हाँ बेटा बोलो, अभी एक्सप्लेन करता हूँ, रिपीट करता हूँ। पहले आप सुने कि अगर के की वैल्यू जीरो हो जाए, के की वैल्यू जीरो हो जाए तो ये कितने से गिरना चाहिए था? एमजीएच से गिरना चाहिए था, इस बात में तो कोई डाउट नहीं। अगर कोई रजिस्टिव मीडियम नहीं होता तो एच हाइट से गिरने वाली चीज एमजीएच एनर्जी से ही गिरेगी, क्योंकि उसकी एनर्जी एमजीएच ही थी। तो आप सोचें, ऐसा कौन सा ऑब्जेक्टिव ऐसे बिहेव कर रहा है, केवल एक लॉजिक, और सारे ऑब्जेक्टिव गिर जाएंगे, तीन के विकेट गिर जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं एग्जाम टाइम में पैनिक मोड में चले जाते हैं, तो हो सकता है आप लोग एग्जाम में परेशान हो जाते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं थोड़ा अलग तरीके से सोचोगे ना तो बड़ा मजा आए। कुछ लोग कहते हैं ना,
सर ए ऑप्शन को थोड़ा बता दीजिए जो आपने एक्सप्लेन किया ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन बताता हूँ, सुनो देखो, ए ऑप्शन में आपने एक्सपोनेंशियल की, वैसे तो समझ आएगा नहीं एक्सपोनेंशियल होता क्या है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। इसको खोल दो, पावर्स को खोल दो, एक्सपोनेंशियल की पावर्स को अगर खोलेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, वन माइनस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग ऐसी तो मिलेगा, वन प्लस एक्स प्लस एक्स करना है, ओके, एक्सपेंशन एक्सपेंशन कर दिया, ओके, ई पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, ऐसी तो होता है। हमने दो पावर खोल ली है, तीन या दो जितने भी खोल लो, ये कभी भी एमजीएच नहीं देगा जैसे जैसे के की वैल्यू जीरो की तरफ भागेगी, ये पता चल गया मुझे। अगर ये पता चल गया तो ये आंसर नहीं है, अगर ये वन वन नहीं कटा तो ये कभी एमजीएच नहीं देगा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, केवल डी आंसर है क्योंकि एमजीएच दे रहा है, बस इतनी बात मेरे समझ में आ रही। तो इसमें k टेंड्स टू जीरो क्यों किए हमने, क्योंकि यही लॉजिक हो सकता है भाई, आपको आपको ड्रैग फोर्स की नॉलेज कम होगी ना, लेकिन आपको इस बात की नॉलेज तो है ना, वैक्यूम में गिरता है तो कैसे गिरता है। Yes. भाई आप लोग सारे लोग एमएससी पास आउट हो तो आप लोगों को ये तो नॉलेज होगी कि पार्टिकल वैक्यूम में गिरता है तो कैसे गिरता है। लेकिन अगर वो ड्रैग मीडियम में गिरेगा तो उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बदल जाती है, उसको इलिमिनेट करने के लिए थोड़ा सा मैंने ये लॉजिक लगा दिया। yes, कि भाई अगर के नहीं होता, ड्रैग नहीं होता तो कैसा बिहेव होता, और ऐसा मैं नहीं लगा रहा हूं, आप लोग लगाते चले आ रहे हो, कई बार लगाए हो गए आप। चलो मैं आपसे एक बात करता हूँ, एक मिनट अभी आपको मैं अपनी बात और अच्छे से बता पाऊंगा। चलो अभी आप लोग अपनी बात कहोगे वही जो मैं बोल रहा हूं, एक बार आपको मौका देता हूं, जरा मुझे बताना दो वेक्टर्स का सम कितना होता है। अभी बताना मत, बताना मत, मैं बताता हूं। अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो आर ऐसे दिया जाता है। इज इट करेक्ट और नॉट? यस सर। बिना देखे यस सर हो रहा है, बिना देखे नो सर। सर कोस थीटा, नो सर, तो ये भी कोस थीटा होगा, लिखते हैं कोस थीटा, कोसाइन होता है, इट्स कोसाइन, इसीलिए लिखा है। आप मुझे बताएं कि कोसाइन क्यों अच्छा लगता है आपको, साइन क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि कॉस तो जीरो देगा, साइन भी तो देता है जीरो, उसमें क्या दिक्कत है सर? बेस अपॉन हाइपोटेनस की वजह से, थीटा के लिए सर हाइपोटेनस एंड बेस पर है। एक मिनट, पहले एक कोई बच्चा बोले, जो बॉय बोल रहा बोले सर, थीटा हाइपोटेनस और बेस के बीच में है इसलिए कॉस। अच्छा इसलिए ऐसा है, ऐसा अच्छा, ऐसा तो कोई लॉजिक कहीं पढ़ा है आपने सर? इधर एक डॉट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, इधर डॉट प्रोडक्ट होता है। अच्छा डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो ये होता है, ए बी नो सर, ए बी कॉस, ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा। किसने बताया, किसने बताया कॉस थीटा, किसने बताया, किसी सर ने बताया होगा या बुक में लिखा होगा, तो आज से अपनी कॉपी में ये लिख लो जो ये दो फार्मूले लिखे हुए, और दो चार बार इसे याद कर लेना, ठीक है? तो फिर अगली बार कोई टीचर पूछेगा ना तो ये भी बता दोगे आप लोग, है ना? सब कुछ अगर ऐसे ही चलना था तो फिर फिजिक्स काहे की, अगर सब कुछ ऐसे ही चलना है तो फिजिक्स किस चीज की, जो जो बताता जाएगा वो याद करते जाओगे, रटते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे? नो, ऐसे नहीं है, ऐसे थोड़ा ही होता है। इसको समझने के लिए लिमिटिंग केसेस इसीलिए लिखे जाते हैं। इफ थीटा इज जीरो, इफ थीटा इज जीरो, आर इज इक्वल टू हाउ मच, होना कितना चाहिए, ए प्लस बी, क्योंकि दो वेक्टर एक ही दिशा में होंगे तो इनका रिजल्टेंट पॉजिटिव ए प्लस बी होना चाहिए। क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसका मतलब गलत है, ऐसे पता चलता है, और ऐसे ही पता लगाते आते थे। अभी आप लोग पता नहीं क्या बोल रहे, ऐसा नहीं हो रहा है, उल्टा हो रहा है, इसलिए हमें क्या करना है, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। तो हम ये भी तो पता लगा सकते हैं ऐसे केसेस कर करके कि भाई ये क्या सही होगा, सब कुछ याद तो नहीं है भाई। अगर आप थीटा की वैल्यू 180 लगाएंगे
तो देखो इसमें आर बराबर ए माइनस बी आएगा, सही आ रहा है, आना चाहिए। ये है लिमिटिंग केसेस, और जो हमेशा करते आ रहे थे आप लोग, ऐसा नहीं मैंने आज पहली बार ये पिटारा खोला है। हर सवाल का जब जैसे आप लोगों को याद हो तो एक फार्मूला होता था डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस साइन थीटा, क्या ये याद है? किसका फार्मूला है ये? कॉम्प्टन वेवलेंथ होगा सर, दिस इज द कॉम्प्टन शिफ्ट, कॉम्प्टन वेवलेंथ फार्मूला। कॉम्प्टन मैं कह रहा हूं साइन थीटा है तो क्या दिक्कत है इस फार्मूले में? यहाँ पर सर लिमिटिंग केसेस में सर नहीं आएगा सर, यहाँ पे स्कैटरिंग के साथ जो एंगल बन रहा है सर, वो इंसिडेंट वेव और स्कैटरिंग वेव के बीच का एंगल ले रहे हैं, उसको कॉस में लेंगे, लिमिटिंग केसेस में लेंगे। अगर थीटा इज 180 देन स्कैटर्ड एंड इंसिडेंट वेव इन द अपोजिट फेज। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, सुन लें। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 कोई शिफ्ट नहीं होना चाहिए, कोई टक्कर ही नहीं होगी। थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ जैसा आ रहा है फोटोन वैसे ही निकल गया, जैसे आ रहा है फोटोन वैसे ही निकल गया, तो शिफ्ट शिफ्ट शुड बी 0, और वो तभी हो सकता है जब ये कोसाइन हो, ऐसे भी तो सोचा जा सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग ये करते आ रहे हो, ये मैं पहली बार प्रवोक नहीं कर रहा हूं आपको इन चीजों को, बस ये कह लो कि हाँ सवालों को सॉल्व करने के लिए हो सकता है आपको पहली बार आ रहा हूं। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ू? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, आपके दिमाग में हो सकता है थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा हो, लेकिन वही असली चीज है, वही होना चाहिए। A person throws a ball at an angle of her choosing to achieve the maximum distance with b, velocity b. अब सुनना, from a edge of a cliff at a height of h, assuming that one of the following quantities maximum horizontal distance, इनमें से कोई एक maximum horizontal distance है, which one is it? इनमें से वो कौन सी है जो r max को represent कर रही है? अब आप सोचोगे कि dimensionally करेंगे ना, तो dimensionally check करोगे सारी dimension एक ही आएंगी, आप करके देख लो। अब आपको लॉजिकल चलना पड़ेगा, यहां पे 6 ऑब्जेक्टिव है, 6 को एलिमिनेट करना है, कोई एक ही सही है। और इस सवाल को मैं आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन में भी करवाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि ये सवाल 6 पेजेस का है, 6 पेजेस का, 6 पेज का सवाल है, और अभी छुटकियों में होने वाला है। कैसे? लॉजिक से, लिमिटिंग केसेस से। आप मुझे बताएं कि ये जो रेंज है आर मैक्स, आर मैक्स should be function of r or not? आप सोचें r max should be function of h or not? पहला लॉजिक होना चाहिए ना, ऐसे एलिमिनेट करूंगा। देखो इफ एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, आप समझना आर मैक्स क्या होगा, क्या 0 की तरफ भागेगी अगर एच 0 हो जाए तो? नो सर, नो। लेकिन ये ए और बी, ए और सी कह रहे हैं नहीं है, सही है। तीसरा लॉजिक नहीं दिख रहा है, सही लग रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? इफ एच इज इक्वल टू 0 आर मैक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, जबकि ए और सी कह रहे हैं इट इज इक्वल टू 0। सर एक मिनट, सेकंड वाला दोबारा समझाओ। इफ एच इज इक्वल टू 0, अगर आप एच को 0 कर दो तो क्या आर मैक्स 0 हो जाएगी? आप बी वेलोसिटी से बॉल को फेंकोगे तो क्या आप मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं पा पाओगे? पा पाएंगे सर, बी स्क्वायर अपॉन जी होती भी थी अगर आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन याद हो तो। यस सर, लेकिन यहाँ तो 0 आ रही है तो कैसे हो सकता है? अच्छा एक बात बताओ, इफ एच, सर पहला वाला फिर से समझा दीजिए। आर मैक्स शुड बी फंक्शन ऑफ एच, मतलब आर मैक्स के एक्सप्रेशन में एच का होना जरूरी है, होना जरूरी है, क्योंकि एच बदलेगा तो आर मैक्स बदलना चाहिए, लेकिन बी ऑब्जेक्टिव में बदल नहीं रहा है। समझ नहीं आया सर,
समझ नहीं आया? नहीं नो सर, अपने आप को म्यूट कर ले, म्यूट कर ले। एच हाइट पर आप खड़े हो जाए, आप अपने घर की छत पर खड़े हो जाए, ठीक है? अब जो मैं कह रहा हूँ सुन लेना एक बार में, फील हो जाएगा। और आपके हाथ में एक बॉल दे दे रहा हूँ, कह दूं कि 20 मीटर पर सेकंड से फेंको इसे, और कितनी दूर फेंक पाओगे वो है आर मैक्स, ठीक है? अगर मैं आपकी छत की हाइट बदलूं, मतलब आपको नीचे खड़ा कर दूं, कभी बीच छज्जे पे खड़ा कर दूं, कभी और ऊंचाई पे खड़ा कर दूं, क्या आर मैक्स बदलेगा या नहीं बदलेगा? नो सर, नहीं बदलेगा। बदलेगा। कॉमन सेंस से पूछ रहा हूं मैं, किसी लॉजिक, मतलब मैं किसी फिजिक्स की फार्मूले से नहीं पूछ रहा हूँ, आपके कॉमन सेंस से। बदलेगा, इट शुड डिपेंडेंट ऑन हाइट, बी ऑब्जेक्टिव नहीं कह रहा है ऐसा। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपकी हाइट जीरो कर दें, मतलब आप जमीन पे खड़े हो जाओ बॉल लेके, तो क्या आर मैक्स जीरो हो जाएगा? नो सर। लेकिन ए और सी कह रहे हैं जीरो हो रहा है, देखो तो एच की वैल्यू जीरो लगाओ, जीरो आएगा इससे, एच की वैल्यू जीरो लगाओ, जीरो आ रहा है यहां से। सर अगर एच जीरो है इसका मतलब हम नीचे से बॉल थ्रो कर रहे हैं। हाँ ऐसा ही तो दिख रहा है पिक्चर में, है ना? तो ऐसे होना चाहिए फिर तो, राइट राइट सर, राइट, है ना? अच्छा एक बात देखो, इधर देखो, अगर मैं ये कहूं बी की वैल्यू जीरो कर दूं, अगर बी मतलब जीरो का मतलब हल्के से फेंकूं बॉल को, तो आर मैक्स क्या बहुत दूर हो जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा? आर मैक्स शुड बी फाइनाइट ना। यस सर, आर मैक्स शुड बी फाइनाइट, शुड बी फाइनाइट एंड आर मैक्स शुड बी जीरो। अगर आप बहुत धीरे से बॉल को फेंकोगे तो ये जीरो की तरफ भागना चाहिए ना। तो आप जरा ई ऑब्जेक्टिव के बारे में क्या ख्याल है आपका? ई के बारे में देखो, ई बी स्क्वायर अपॉन जी अंदर ले जाओ तो ये 2h आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल। ये कह रहा है कि अगर बी जीरो हो जाए तो ये 2h दूरी पे जाके गिरेगा। नो सर, ऐसा कैसे हो सकता है, जब बॉल ही नहीं फेंक रहे हो तब भी 2h दूरी पे जाके गिरेगा? इट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई ई इज आल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन डी करेक्ट। अभी देखते हैं ना एफ के बारे में, देखें एफ को कैसे इलिमिनेट कर सकते हैं। अच्छा बी की अगर मैं फाइनाइट वैल्यू कुछ मान लूं अंडर रूट 2gh, क्या हो नहीं सकती ऐसी फाइनाइट वैल्यू? अगर मैं अंडर रूट 2gh से फेंक दूं किसी बॉल को, तो ये आर मैक्स क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए या इनफाइनाइट? फाइनाइट भाई, किसी फाइनाइट वेलोसिटी से आप बॉल को फेंकोगे तो कुछ दूरी पर, ज्यादा दूरी पर जाएगी तो फाइनाइट दूरी पर ना। जबकि एफ ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, अगर वी की वैल्यू लगा दूं अंडर रूट 2gh तो ये इन्फिनिटी जा रहा, ध्यान से, यानी एफ भी गलत। यानी यहां से पता चला एफ गलत है, यहां से पता चला ई इनकरेक्ट है। ये तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव थे इसलिए इतनी देर लगी। अगर आप चाहें तो इससे पता चला बी इनकरेक्ट है, और इससे पता चला ए और सी इनकरेक्ट है, आर इनकरेक्ट, ठीक है? तो फिर कौन सही बचा? एक ही बचा। अब भगवान जाने ये सही है कि गलत है, लेकिन मेरे लिए तो एक ही बचा। उन्होंने पूछा था इनमें से कोई एक है, तो वो डी होगा फिर। नहीं समझे, हमारा लॉजिक है उल्टा, उल्टा चल रहा हूं मैं सही नहीं ढूंढ रहा हूं, गलत मैं सही नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं गलत ढूंढ रहा हूं। ये भी एक अप्रोच हो सकती है। चलिए ये तो 6 ऑब्जेक्टिव थे इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग गया, वरना आपको टाइम भी नहीं लगता। सर जीरो इनटू इनफिनिटी जीरो लिखेंगे, जीरो इनटू इनफिनिटी जीरो होता है। हाँ बिल्कुल, इंडिटरमिनेट फॉर्म सर, इंडिटरमिनेट फॉर्म, इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है बेटा। तब तो सर डी में यही फॉर्म बन रहा है। नहीं बन रहा है, अंदर ले जाओ एल हॉस्पिटल वाले ने। नहीं नहीं अंदर लेके जाओ उसे डी को, बी की पावर 4 अपॉन जी और पी अंदर बचेगा बी की 2 ऊपर, नहीं बनेगा।
अरे इसे ऐसे लिख लो अंडर रूट बी की पावर फोर अपॉन जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो जी बचेगा नीचे, टू एच बचेगा और बी स्क्वायर बचेगा ऊपर। अब बी की वैल्यू जीरो लगाओ, जीरो आएगा आंसर। ओके सर, समझते हो? ऐसे आप नहीं समझ रहे हो, इसका मतलब लिमिटिंग केस, लिमिट समझते हो? लिमिट, लिमिट आप देखो इसकी वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी एक्स स्क्वायर अपॉन या चलो सर ऐसे क्वेश्चन में तो जो लिमिटिंग केस हम यूज कर रहे हैं वो मेरा आंसर दो, मतलब आइडिया होनी चाहिए ना। हाँ आइडिया तो आता ही है, फिजिक्स के स्टूडेंट है सारे, आइडिया के लिए तो जाने जाते हैं। fx is equal to x square minus 4 upon x minus 2 0 then what is the value of f2 2 0 0 what is the value of f2 0 by 0 4 एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सारी बातें मत बोलो, बस 4 बोल के चुप हो जाओ। अगर आपको लगता है इसकी वैल्यू 4 आएगी ना तो एक होमवर्क और बढ़ गया आपके लिए। अगर जिस बच्चे को ये लगता है ये वैल्यू 4 आएगी वो प्लीज लिमिट जरूर पढ़ ले, वो लिमिट पढ़ ले, लिमिट, लिमिट एक चैप्टर होता था कैलकुलस में, वो पढ़ ले। मैं आपको बता दूं इसकी वैल्यू 4 नहीं आएगी, इनडिटरमिनेंट फॉर्म आएगी ये। अगर यहीं से लिमिट की शुरुआत है कि 2 पर तो डिफाइन नहीं है फंक्शन, लेकिन टेंडिंग टुवर्ड्स 2 पे डिफाइन, टेंडिंग टुवर्ड्स 2 पर डिफाइन है ये, 2 पर डिफाइन नहीं है फंक्शन, तो लिमिट की यहीं से शुरुआत मानी जाती है, तो आप उसको थोड़ा समझें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके लिए थोड़ा हल्का सवाल देता हूं, पहले मैंने एक दो क्वेश्चन स्किप कर दिए। आपके सामने स्क्रीन पर कंसीडर द एंड कैप ऑफ स्फीयर शोन इन फिगर, ये एंड कैप है, ये वाला एंगल थीटा है, समझ के बताना। आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा एंड कैप का वॉल्यूम है, इनमें से कौन सा इस शेडेड एंड कैप का वॉल्यूम है, इनमें से कौन सा शेडेड एंड कैप का वॉल्यूम है, ये स्फीयर में से कटा है, ये स्फीयर है सर, ए लग रहा है सर इसका ऑप्शन, ए लग रहा है ना, ये लगता जो है वही गलत होता है ना, ये जो लगता है ना यही तो गलत होता है, तभी तो चार दिखाई जाते हैं। चलो एक बार बताओ चे, थीटा को अगर जीरो तो बी और सी में से सर कुछ है सर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, डी, ये आपको कैसे याद आया सर, थीटा जीरो करने से वो हो रहा है सर। अच्छा थीटा जीरो करने से, लेकिन ऐसा नहीं है और बाकी बचेंगे नहीं। अच्छा ये बताओ थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा एंड कैप का, अगर थीटा जीरो हो जाए तो एंड कैप का वॉल्यूम जीरो होना चाहिए ना, जीरो, यस सर, जीरो सर। आगे देखो किस में आ रहा है, पहले में नहीं आ रहा है, पहले में नहीं आ रहा है, बी, बी में तो आ रहा है, सी में भी आ रहा है, सी में आ रहा है, सी में भी देख लो आ रहा है, ये डी, डी, डी में भी आ रहा है, डी में और सी में आ रहा है, ए में भी, बी में भी तो आ रहा है, बी में आप सोचें अगर ये पाई बाई टू हो जाए तो वॉल्यूम कितना हो जाना चाहिए, 4/3 का आधा, 2/3 पाई आर क्यूब आना चाहिए आंसर। यस सर, कहाँ आ रहा है, किसमें आ रहा है, पाई बाई टू लगाओ, 2/3 पाई आर क्यूब आ रहा है, आ रहा है, इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, वन आ रहा है, डी में, सी में नहीं आ रहा बेटा, बी सही है, बी में तो आ रहा है लेकिन सी में नहीं आ रहा है, बी अच्छा, में भी आ रहा है नहीं आ रहा, सी में ठीक है सर, डी में भी आ रहा है, डी में आ रहा है, चलो एक और वैल्यू लगाते हैं पाई, तो पूरा वॉल्यूम आना चाहिए स्फीयर का भाई, अगर थीटा पाई हो जाए तो पूरा स्फीयर हो गया ना एंड कैप ही है ना, वो किसमें हो रहा है, बी में नहीं हो रहा है क्योंकि वो जीरो हो जा रहा है, साइन पाई के लिए जीरो हो जा रहा है सर, बी में नहीं हो रहा, डी में हो रहा है,
मुझे नहीं पता आंसर डी सही है कि गलत, लेकिन हाँ तीन ये ए बी सी गलत है, बस ये पता चल गया। तो ऑप्शन डी करेक्ट है और नेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, देखा था इस वॉल्यूम से, वो उसमें आधा डूबा हुआ था, अब थ्रस्ट पूछा जा रहा था उसमें, याद आ रहा हो शायद। तो डी करेक्ट हो गया, मुझे नहीं पता कि डी एक्चुअल में करेक्ट है कि नहीं, ऑब्वियस है कि इतना खराब नहीं होगा कि डी। अब जैसे ये जस्ट में आए हुए क्वेश्चन है, चलो मैं दिसंबर नेट में आता हूँ। हेलो, हाँ बेटा बोले। सर वो एंगल एक बार दिखाना कहाँ पे एग्जैक्टली? ये यहाँ से, ठीक है? ओके चलो, आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे पास, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप ये जरा जो आए हुए क्वेश्चन है उनको देखें। अब ये देखिए, क्वेश्चन तो आपको हैमिल्टोनियन का दिख रहा होगा, फेज ट्रेजेक्ट्री, विच वन इज अ पॉसिबल ओविंग हैमिल्टन इक्वेशन फॉर टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन, यानी क्या क्या लिखा हुआ है। आप एक बात सोचो, इन चारों में कुछ अलग दिख रहा है, एक चारों में एक अलग दिख रहा है, एक ही है वो जो अलग दिख रहा है, आप ये समझ लो रीजनिंग का सवाल है ये। मतलब देखो, हाँ भाई मैं कह रहा हूँ, मैं ये सवाल ऐसे नहीं करवा रहा हूँ कि इसका एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या है। बेटा एक मिनट आवाज बंद रखें, सुने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपसे कि इसका आंसर कैसे निकले। मैं ऑब्वियस है फेज ट्रेजेक्टरी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, हैमिल्टोनियन पढ़ाऊंगा, ऑप्शन सी इनकरेक्ट। हाँ सर, अभी ऑप्शन सी ही करेक्ट, पूछ रहा नॉट पॉसिबल करेक्ट, तो सी ही सही हो जाएगा ना। अब सुनो, मैं कह रहा हूँ इस सवाल को आप छोड़ो, क्या लिखा हुआ है छोड़ो, इन चारों में अलग सी है, बाकी सब कहीं कट नहीं रहे मुझे दिख रहा है साफ साफ। हाँ सर, कट नहीं करते ना एक दूसरे को, वो करते हैं नहीं करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं समझ रहा हूँ मेरी बात को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इस बात की नॉलेज है कि नहीं है कि ये कटते हैं कि नहीं कटते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक रीजनिंग का सवाल है, मान लो चार ऑब्जेक्टिव है, चार में से कुछ कोई डिफरेंट कौन है, ऐसा नहीं होता क्वेश्चन, ऑड वन आउट वाले, ऑड वाला आउट कर लो तो ऑड एक ही है वही आंसर है, ऐसे मैं कह रहा हूँ, ऐसे भी सोचा जा सकता है। यस सर, ये बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें, ये देखिए जस्ट 2060, अभी बहुत पुराना नहीं है, सवाल पढ़े आप, सवाल पढ़े, ए सिलेंड्रिकल शेल ऑफ मास एम, है ना, सिलेंड्रिकल शेल है जिसका मास क्या है एम है, और जिसकी इनर और आउटर रेडियस पता है, इनर और आउटर, ये गेट में भी पूछा जा चुका है, नेट में भी, दो तो मैंने डाल रखे हैं, ये नेट में पूछा जा चुका है, इनर और आउटर रेडियस ए और बी है, है ना, ये ए है और ये वाली बी है, ये कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसके अबाउट, ये पूछा जा रहा है, क्या लगता है कौन सा सही पार्ट होगा, सेकंड पार्ट सर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड पार्ट सर, क्योंकि अगर ए और बी को इक्वल रख देंगे तो फिर वो, हाँ ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, ए और बी को इक्वल रख सकते हैं, ए और बी अगर इक्वल हो जाए तो पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि जीरो हो जाएगा, गलत सर, नहीं हो सकता, गलत हो जाएंगे, ए भी गलत हो जाएगा, ए बराबर बी रखने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आना चाहिए, सॉलिड सॉलिड सिलेंडर का, जो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम ए स्क्वायर है, एम बी स्क्वायर है ना, यस सर, वो केवल किस में आ रहा है, बी ऑप्शन बी में आ रहा है, यस सर, नहीं बी में नहीं आ रहा, अगर इक्वल रख देंगे तो, इक्वल रखने का मतलब समझ रहे हो, डी भी गलत होगा, सर डी भी गलत होगा, अब रह गए बी और सी,
पहले तो ये बता दो, ए और बी अगर बराबर हुए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा क्या, शक्ल इसकी, इसकी शक्ल क्या बनेगी ए और बी रहने पर? सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड हो जाएगा ना बेटा, तो है ही है, ना ना होलो ही होगा, इक्वल टू जीरो कंप्लीट खत्म हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ए बराबर बी होने पे, बिल्कुल सही बात है, सिलेंडर का लैमिना बनेगा, सिलेंडर का होलो सिलेंडर, ये होलो का लैमिना, ना ना इसको बोलते हैं थिन सिलेंड्रिकल शेल। ओके, आप सोचो ए बराबर बी होने का मतलब क्या होता है, थिन हो जाएगी, बिल्कुल थिन, ऐसे थिकनेस सॉलिड नहीं हो जाएगी, सॉलिड कब होगी, जब ए बराबर जीरो, यस सर, हाँ सर, हाँ, ए बराबर जीरो रखने पर भी ये सी गलत हो जा रहा है, ए बराबर जीरो रखने पर, देखो ए बराबर जीरो अगर रखा तो सी गलत, तो आई जो हो जाना चाहिए था हाफ एम बी स्क्वायर हो जाना चाहिए था, सही है, जो कि बी और सी में नहीं हो रहा है, और ए बराबर बी रखने पर ये सिलेंड्रिकल शेल बन जानी चाहिए, तो उसका क्या होता है एम ए स्क्वायर या एम बी स्क्वायर, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेल का एम आर स्क्वायर होता है, yes, तो वो किस में बन रहा है, ए बराबर बी रखने पर बी में नहीं बन रहा है, इसमें बन रहा है, यानी बी ही सही रहा होगा, ऑप्शन बी, मतलब ये बिना इंटीग्रल उंटीग्रल सॉल्व करे, बिना याददाश्त के आप आंसर निकाल सकते हो, यस सर, ओके थैंक यू सो मच, मैं क्वेश्चन बहुत सारे हैं लेकिन टाइम की चूंकि कमी है इसलिए आप लोगों को मैंने वो वाले नहीं बताए, एक दो क्वेश्चन और भी देख सकते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इतना रखते हैं, ओके नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हैं बेटा, सारे क्वेश्चन सेंड होंगे आपको सर, सर एक छोटा सा नॉर्मल क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ सर, नॉर्मल अभी बताऊंगा, बिल्कुल एबनॉर्मल वाले बताओ सर, ऐसे ही सर बिल्कुल, मतलब क्वेश्चन ही नहीं है, हाँ हाँ बता सर, एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन रखते हैं, उन्हें पता होता है कि इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे, बिल्कुल, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाते वक्त बताऊंगा, मैं वो लोग चाहते हैं कि आप अपना टाइम स्पेंड करो इस पे, ऐसे देखो वो लोग चाहते हैं आप अपना टाइम स्पेंड करो इंटीग्रल कर करके, लेकिन वो नहीं देते, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है ना, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से उसे सॉल्व करवा के देखा जाता है कि ये तीन घंटे में सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर तीन घंटे में सॉल्व नहीं हो रहा है तो उस क्वेश्चन को हटा दिया जाता है, जब हम लोग कहते हैं ना लेंथी पेपर आया, तो लेंथी उन लोगों के लिए जो ट्रिक्स नहीं जानते, जो ट्रिक्स जानते हैं और वो जिस तरीके से पेपर सेटर ने सेट किया उस क्वेश्चन को वैसे कर लेते हैं, वही लोग टॉप कर जाते हैं, बाकी लोग के छूट जाते हैं क्वेश्चन। सर जो लास्ट पॉइंट था चेक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, वो वाला पॉइंट नेक्स्ट क्लास में, अब नहीं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, उसके लिए कहने का मतलब ये है, जैसे मैं यहीं पे समझा देता हूँ, जैसे आप ये काम आप लोग करते आ रहे हो, जैसे 9.1 × 10⁻¹⁹ kg ये इलेक्ट्रॉन की वो है, ठीक है, उसके बाद आप मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रेडियस ऑफ कर्व वो निकाल रहे हैं आप, बोर्स ऑर्बिट कुछ भी निकाल रहे हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े वो लिखे हुए हैं 1.9 × 10⁻¹⁹ और ऐसे वैसे कोई बहुत सारी कैलकुलेशन है, ठीक है, तो आप हमेशा करते आए हो, कोई मेरे कहने से नहीं, इसको लगभग 2 रख लो, इसको लगभग 4 रख लो, इसको लगभग 9 रख लो और फिर जल्दी सॉल्व कर लो, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सर अगर वेरिएशन में ही आंसर हो तो बेटा वो दुर्भाग्य होगा अब आपको अगर अब अगर आपको अब जैसे मान लो इसमें दुर्भाग्य कैसे बनाया जा सकता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है 1/4 ma² + b² एक होता 1/8 ma² + b² मतलब केवल नंबर चेंज होता, yes, sir. तब ये आपको करना पड़ेगा, फिर नहीं होगा इससे, है ना, फिर आपको sir, करना पड़ेगा। लिमिटिंग केसेस आपने डिस्कस किए हैं, हाँ सर, ये सारे केसेस अभी आप बताओगे ना कि मतलब कैसे कैसे बेटा, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, yes, हर जगह पर ये सवाल आते रहेंगे, उन जगहों पर जहाँ पे लिमिटिंग केसेस से हो सकता होगा वहां मैं लिमिटिंग केसेस से भी बात करूंगा, लेकिन भी बात करूंगा, मतलब ऐसा नहीं कि लिमिटिंग केसेस ही करता रहूंगा, ठीक है सर, हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे ना अगली क्लास में, फिजिक्स क्या होती है, बिटवीन दी वर्ड्स, बियॉन्ड दी वर्ड्स, वो होती है फिजिक्स, तो फिजिक्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है, मजा आएगा आप लोगों को सर, आज बस टीजर था ये, ये ट्रेलर है, हाँ बेटा बोले, अपने बारे में बता दीजिए सर थोड़ा सा,
मैं आईआईटी दिल्ली से पीएचडी किया हुआ हूँ, ठीक है? व्हाट इज योर नेम? नाम मेरा डीएल अग्रवाल, ओके। और फुल फॉर्म सर? थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। पूरा नाम बता दीजिए ना। थैंक यू सर। बेटा मेरे पूरे नाम का आप क्या करोगे? इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? मैं बदल नहीं जाऊंगा। कुछ चीजें ओपन नहीं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। आप लोग कुछ और पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सर आपका पीएचडी किस में है? मेरा नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अब आपको लग रहा होगा फिर आप क्लासिकल क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि ये बेसिक है। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक है? जरूरी नहीं आपने जिसमें पीएचडी की उसी में कर सकते हैं। नहीं सर, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, अभी तक जितने टीचर है सबसे अच्छा पढ़ाया। थैंक यू सो मच। आप लोगों का, आप लोगों को निराश नहीं करेंगे कभी भी। थैंक यू सर, इट्स अ नाइस सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर सर आपका नाम बता दीजिए।